Let me click record and is this recording? Yes, this is recording. Okay, so welcome everyone. I'm sure no one's watching, but welcome everyone. तो सुप्रिया और मैं कोशिश करेंगे ट्रिगो पढ़ने की. हम कई सालों से पढ़ने की कोशिश करते रहते हैं साथ में. This will be another attempt. So let me write stuff. Trigo. ठीक है, क्लास 11th की ट्रिगो होगी, वहां से शुरू करेंगे. The objective is very quickly सुप्रिया को थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ा के कैलकुलस की कोनिक सेक्शन की दुनिया में लेकर जाना, बिकॉज दैट्स द बेस्ट वर्ल्ड कोनिक सेक्शन की दुनिया मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे बहुत सारे अहा मोमेंट्स आर अराउंड कोनिक सेक्शंस एंड आई वांट सम टू एक्सपीरियंस द सेम. यू फोक्स कैन कम अलोंग टू. बट या तो ट्रिगो से शुरू करेंगे. और अजम्पशन ये है कि सुप्रिया को कुछ नहीं आता, बट अगेन दैट्स अ लाय. सुप्रिया को काफी कुछ आता है. एटलीस्ट सुप्रिया इज फास्ट, सुप्रिया तेज है. तो लेट्स स्टार्ट सुप्रिया, लेट्स स्टार्ट विद ट्रिगो. ठीक है, बहुत मेरे को हल्की सी वेग मेमोरी आ रही है कि हम ट्रिगो पे 2019-20 में एक कन्वर्सेशन कर चुके हैं, बट लेट्स डू दैट अगेन. बहुत छोटा सा TLDR रीकैप मैं करता हूँ. ठीक है, आज के क्लास में यूनिट सर्कल ढंग से कर लेते हैं. ट्रिगो जो हमने क्लास 10 में पढ़ी थी वो बेसिकली वॉज परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर सामने वाली साइड, बेस नीचे वाली साइड और हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, छोटे छोटे एंगल्स के लिए पढ़ा था हमने, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री. अच्छी चीज ये थी कि हर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल था. 60 डिग्री, वैसे 60 और 30 सेम ही ट्राइंगल है, थोड़ा उलट पलट के देखना होता है. एंड एक चीज जो हमें समझ में आई थी यूजिंग एवरीथिंग दैट वी लर्न्ड टिल 10th, हमें एक चीज समझ में आई थी कि इनके साइड्स का प्रोपोर्शन जो है वो हम मैच कर सकते हैं, वो हम पता लगा सकते हैं पहले से. इनफैक्ट आई वुड आस्क, इसको हम प्रूव भी करने की कोशिश करेंगे अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो, मे बी लेटर इन द सेशन. तो बताओ सुप्रिया, व्हाट आर द रेशियोज ऑफ साइड्स फॉर 30 डिग्री? ओके, तो तीन रेशियोज के बारे में पहले बात करेंगे. तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा. नहीं वो छोड़ो, तो हां वो पहले बताओ साइड्स क्या-क्या है. इफ आई पुट वन हियर, व्हाट शुड आई पुट? हां ओके, इफ दिस इज वन, दिस इज वन, ये 30 है नहीं हम भूल गए, कोई बात नहीं, दिस इज गुड, नहीं हम भूल गए. Yes. Oh, ruko. Give me a minute. I can do this. I can find out. Hey, find out नहीं करना. अच्छा खुद से कर रहे हो, ठीक है. मतलब हाँ, मतलब find out खुद से और कैसे? Oh, internet. Internet भी है. Okay, this is one. Sin theta कितना होता है? 1/2 होता है. ये तो तुम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हो. अगर साइन थीटा 1/2 होता तुम्हें वो वैल्यू याद है तो उस तरीके से नहीं. तो ठीक है, लेट्स स्लो डाउन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, छोड़ो सबको, छोड़ो राइट एंगल ट्रायंगल को, छोड़ो, लेट्स क्रिएट अ राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड है 1, ये भी हो गया 1 एंड ये भी हो गया 1. ठीक है, डोंट प्रूव इट, डोंट, उसको मत उठाओ साइन थीटा को. यहाँ पर देखो, दिस इज वन, दिस इज वन, दिस इज वन. मैं इस ट्राइंगल को ब्रेक करूंगा 2 इक्वल पार्ट्स में. ठीक है, तो इक्विलेटरल है तो सिमेट्री से कॉन्ग्रूएंट होगा. दिस शुड बी हाफ एंड दिस शुड बी हाफ. पाइथागोरस थ्योरम से व्हाट शुड बी दिस साइड, फॉरगेट अबाउट ऑल द एंगल्स एंड स्टफ, व्हाट शुड बी दिस साइड, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए ट्राइंगल की? तो तुम्हारा ये हो जाएगा 1² - 1½² का रूट. 1² - ½² का रूट एंड दैट इज 1 - 1 - 1/4, that is 3/4, that is √3/2, right? तो ये साइड हो गई √3/2, ये साइड हो गई हाफ, ये साइड हो गई 1. लेट मी रब दिस एंगल, अब ये पूरा हटा देता हूँ. ठीक है, got it. अब मुझे बताओ ये इक्विलेटरल एंगल था तो ये एंगल कितना हुआ? 60. yeah, हाँ. and ये एंगल कितना हुआ? 30. and you got the ratios, okay? तो कभी भी भूलो तो तुम इक्वल ट्रायंगल से शुरू कर सकती हो. अब किसी को फ्रैक्शंस पसंद नहीं होते हैं, ऑल्दो दिस होल चैप्टर डील्स विद फ्रैक्शंस, सो वी डबल दीज एंगल्स, सो वी डबल दीज साइड्स. हम इसको बोलते हैं ये 2 हो गया, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा √3 हो गया. बस दिखने में अच्छा लग रहा है, दैट्स इट. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ 30 डिग्री ट्रायंगल एज वेल. दिस इज 30, 30 के सामने वाली साइड है 1, दैट्स अ स्मॉलर साइड. 60 के सामने वाली साइड बड़ी है, that's √3 और you get 2. So you got 2 angles. इसको मिटा देता हूँ, avoid confusion. Now there's one more triangle left. ठीक है,
which is this one. ये 45 और ये 45. Okay. अगर ये वाली साइड वन होती तो बाकी साइड्स का क्या होगा? तो दूसरी भी वन होगी because isosceles triangle. Because yep, why not? And this will be हमारा one square plus one square because c square का root 2. ठीक है. This is more important. Sin cos tan हमने आगे ऐड किया है. ये रेशियो चेंज होंगे. अगर साइन कॉस टेन नहीं आते, रेशियो सेम रहते. हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इन रेशियोज का नाम दे दिए. ठीक है, तीन रेशियोज के बारे में बात करेंगे. बाकी तीन अब की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी. बट साइन कॉस और टेन, साइन लिख लेते हैं, साइन कॉस और टेन. ठीक है, एक हो गया 30 डिग्री का, एक हो गया 60 डिग्री का, और एक हो गया 45 डिग्री का. ठीक है, बहुत ही बेसिक रिविजन चल रहा है यहाँ पर. नथिंग न्यू, नथिंग इंटरेस्टिंग गोइंग ऑन हियर. ठीक है, साइन होता है ऑपोजिट, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, साइन होता है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस. ठीक है, कॉस होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूस, और टैन होता है ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. तो जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग ये वैल्यूज फटाफट बता दो, कितनी कितनी होंगे. साइन 30 कितना होगा? वाला ट्रायंगल में हो जाएगा ऑपोजिट व्हिच इज 1 अपॉन 2, एंड तुम्हारा 60 डिग्री वाले ट्रायंगल में हो जाएगा ऑपोजिट रूट 3 बाय 2, एंड 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में हो जाएगा 1 बाय 2 रूट 2. 1 बाय रूट 2. ठीक है, कॉस, कॉस 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय 2, अरे रूट 3 बाय 2, रूट 3 बाय 2. ओ सॉरी, 30 डिग्री वाला ट्रायंगल, आई वाज लुकिंग एट 60 डिग्री, सॉरी. ओके, और cos 60 डिग्री वाले में हो जाएगा 1 by 2, और 45 में 1 by root 2. ठीक है, इसमें हो जाएगा 1 by root 3. 60 डिग्री में tan है तुम्हारा opposite, which is opposite is root 3 by, नहीं एक सेकंड, ठीक है तुम भर दिए, as looking तुम triangle से इधर उधर बनाए हो. नहीं तो 10th में सिर्फ इतना सिखाते हैं, और एक दो चीजें और एक्स्ट्रा सिखा देते हैं. I'm going to rub these triangles are very important. कभी भी ट्रायंगल ना बने तो मैं तो ये बोलूंगा, स्टार्ट विद एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ब्रेक द इक्विलेटरल ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स. सो जब भी तुम्हें कोई एंगल चाहिए हो, ये फंडामेंटल चीज है ट्रिग्नोमेट्री की, जब भी तुम्हें कोई एंगल चाहिए हो, थिंक ऑफ सिमिलर फिगर्स हैविंग दैट एंगल. ठीक है, सिंपल फिगर, चलो सिंपल फिगर्स हैविंग दैट एंगल. तो अगर तुम्हें 60 और 30 चाहिए तो थिंक ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसे ब्रेक कर दो. यू गेट 90, यू गेट 60, यू गेट 30. अगर तुम्हें ये दिमाग में आ गया तो तुम्हें कोई कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. यू स्टार्ट विद अ साइड, लेट्स से 2 2, तो ये 1 हो गया. अगर ये 2 है, ये 1 है, तो अपने आप रूट से आ जाएगा, एंड देन यू कैन फिगर थिंग्स आउट. यप, इट्स गुड कि तुम रटने वाला तरीका भूल गए थे. इट्स गुड कि तुम्हें याद नहीं था. नाउ यू कैन ऑलवेज डिराइव. आई वुड एनकरेज यू टू ऑलवेज डिराइव. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कुछ याद मत करो, कभी कुछ याद मत करो. ठीक है, साइन कॉस टैन हो गया. इट्स गुड, यू आर द राइट, यू आर द राइट काइंड ऑफ मैथ्स स्टूडेंट. याद रखना होना भी नहीं चाहिए तुम्हें. अब 9th में, सॉरी 10th में एक गड़बड़ ये लोग कर देते हैं. दे कहते हैं चलो 0 90 भी याद कर लो. यहाँ पर कंफ्यूजन होना शुरू होता है. रिमेंबर एक जमाने में हम वीडियो बना रहे थे, एंड तुमने कॉल किया था, मैं घर पे था, तुमने कहा था कि यार ये वीडियो में कुछ कुछ इशू चल रहा है, यू वर डूइंग सम ब्रेनस्टॉर्मिंग. कंक्लूजन है, मुश्किल होना ही है 10th क्लास के बच्चे को, तुम 11th क्लास का कंसेप्ट कैसे समझा दोगे? लिमिट्स आती है यहाँ पर. देयर इज नो सच थिंग एज अ 0 डिग्री एंगल, 0 डिग्री ट्रायंगल होगा ही नहीं. तुमने एक बच्चे को चीज सिखाई, देखो तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल उठाओ और इस एंगल को 60 कर दो, एंड यू कैन फिगर आउट एंगल्स, फिर फिगर आउट साइड्स. फिर तुम कहते हो कि नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ जिसमें योर एंगल 0 है. चलो लेट्स बोल, चलो नहीं बोलते, बट व्हाट द हेल, 0 डिग्री एंगल क्या होता है? तो आई वुड नॉट डू दैट. 0 डिग्री 90 डिग्री स्कोप से बाहर रखते हैं फॉर नाउ. जो हम कॉन्टेक्स्ट पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें दीज एंगल्स आर नाइस, बट व्हाट अबाउट अदर एंगल्स, व्हाट अबाउट 15 डिग्री का अगर निकालो? यहीं से असली कहानी शुरू होती है. मान लो 15 डिग्री है, अब क्या करोगे? 15 डिग्री का तुम साइन कॉस टैन कैसे निकालोगे? तुम क्या दो एंगल बनाओ? लेट्स मेक टू एंगल्स, 15 डिग्री. अब हमें 30 डिग्री हो गया, बट नाउ वी डोंट हैव अ ट्रायंगल, सो वी गॉट नथिंग. ओके, अगर हमें 15 डिग्री, तो हम 30 डिग्री वाले को क्यों नहीं कैसे कर देते? ट्राई इट आउट, ट्राई. ये हमारा 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, इसको तुम ब्रेक करना चाहती हो. यू वांट टू ब्रेक इट, मेक इट टू 15 डिग्रीज. क्या करोगे इसमें? गिव योरसेल्फ अ मिनट एंड नॉट मोर देन दैट. 15 डिग्री का कैसे निकालोगे? क्लू यहां पर यह है कि नहीं निकलेगा.
ठीक है, देन आई एम नॉट गिविंग मायसेल्फ अ मिनट एंड ट्राई. नहीं नहीं, बट एट लीस्ट यू शुड एक्सपीरियंस. नहीं मिलेगा वाला क्वाड यार, क्यों नहीं मिलेगा? ओके, नहीं दैट आई शुड थिंक अबाउट कैसे मिलेगा देन. कीप ट्राई 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 ट्राई. ओके, फर्स्ट स्टेंट होना चाहिए हर एक्सरसाइज के नीचे कि नहीं हो पाएगा. दिस इज नॉट अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम. इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि 36 से 45 के बारे में ही क्यों बात करते रहते हैं, बिकॉज दीज आर द ट्रायंगल्स दैट वी नो अ थिंग और टू अबाउट. 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, वहां से कहानी शुरू हुई थी. आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने पढ़ा था क्या? इसीलिए तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं पढ़े थे क्या? एवरीथिंग वाज मूविंग अस टुवर्ड्स ट्रिग्नोमेट्री. क्या व्हाई वर वी लर्निंग अबाउट व्हाई वी ओनली लर्निंग अबाउट आइसोसेलेस ट्रायंगल्स एंड स्टफ? नहीं, उनके और भी प्रॉपर्टीज हैं. रेक्टेंगल में काम आते हैं, पैरेलोग्राम में भी काम आते हैं, बट फॉरगेट अबाउट दिस. और क्या पढ़ा था हमने? हमने 10th में एक चीज और पढ़ी थी, हमने पाइथागोरस थ्योरम का, आई कॉल इट पाइथागोरस थ्योरम का ट्रिगो वर्जन पढ़ा था. I'm deliberately writing this that it's a version of Pythagoras theorem because that's all it is. सबको याद है ये sin square theta plus cos square theta ये one होता है. But ये कोई trigonometric identity नहीं है. This is Pythagoras theorem in disguise. अगर तुम ध्यान से देखो Pythagoras theorem को, इसको थीटा मान लेते हैं, ये 90 degree है. This is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा? Perpendicular square plus base square equals to hypotenuse square. Now divide everything by hypotenuse square because it's not zero. Perpendicular square by hypotenuse square, base square by hypotenuse square, hypotenuse square. Perpendicular upon hypotenuse होता है sine, base upon hypotenuse होता है cos, और hypotenuse by hypotenuse होता है 1. So you get, did I create a new theorem? नहीं, it's the same theorem, but presented in a trigonometric way. ये सबको याद होती है, लेकिन बाकी दोनों किसी को याद नहीं होती है. So I want you to give me the other two theorems. मतलब हमको याद है, but okay. एक तो था tan square theta minus cot square theta equals 1, और एक cosec square theta. रुको, let me, क्या था tan square minus, maybe you're right. Tan square minus cot square is 1 and cot square theta equals to 1. और दूसरा क्या होगा? cosec square theta minus tan square theta minus sec square theta. Sorry. tan square theta minus sec square. Note, friends, this is our second attempt. ठीक है. tan square minus secant square is 1. Note करता हूँ कितने वर्जन आएंगे. और दूसरे का क्या था? cosec square theta minus cot square theta equals to 1. Because एक वही बचा हुआ है. Okay. So. This correctly. हाँ. Don't recall this correctly ना. यही तो मैं चाह रहा हूँ. Don't recall. Derive कर सकते हैं. I'm thinking about it. Let's do that. ठीक है, I think यही इसी से आ जाएगा तुम्हारा. अगर if you want the Pythagoras theorem से, I think perpendicular square is हमारा hypotenuse square. Do you want me to share my screen? I have given you access. You cannot share while the others are ready. Wait. इसमें बहुत सारे options हैं. Wow. Desktop 1, 2, whiteboard. सब share कर दो. Allow Zoom to share. Open system preferences. Oh. अच्छा, तुम पहली बार Zoom से कुछ share कर रहे हो. That's how many meetings you have attended so far. To record the contents of the screen until it's quit. Oh. एक काम करो, तुम ही कर दो. हम बोलते जाएंगे, तुम लिख लेना. ठीक है. For this meeting, I'm going to share my screen. But moving forward, इसको भी screen share करेंगे. ठीक है. एक second. बता. Adjust the settings. Zoom account, फिर वो meeting disconnect हो जाएगी. हाँ भाई. Okay. So. चले. देखो, तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें p square plus b. I was gonna divide. जैसे p square plus b square equals to h square होगा, तो यहाँ पे अगर हमें tan पहला चाहिए, तो we know the tan का ratio basically क्या होता है? Perpendicular by base in this case. So I'll divide it everything by b square. तो let's divide everything by b square. तो तुम्हारा ये हो गया, which is हाँ, तो perpendicular by base तुम्हारा हो जाएगा. Okay. नहीं, मैं बता रहा हूँ कि these are the three identities. Okay, got it. These are the three identities. पहले तुमने निकाल दी थी. एक बार तुमने perpendicular से divide किया, एक बार base से divide किया, एक बार hypotenuse से divide किया. Hypotenuse से divide करोगे तो you'll get sine square plus cos square, and बाकी दोनों से you'll get the other two. So this will give you sine square theta plus cos square theta equal to 1. ये क्या देगा? Tan square theta
परपेंडिकुलर वैसे ही तो ना पीएच और ये सेक हो जाएगा तुम्हारा एंड यू हैड समथिंग एल्स लास्ट वाला बेस्ड अपॉन कोसेक नहीं परपेंडिकुलर वेव्स क्या होता है तुम्हारा टैन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक सो यू हैड बोथ ऑफ दीज रॉन्ग नहीं सही था ना नहीं 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 व्हिच इज नाइस डोंट मेमोराइज मत याद करो ये नहीं आई डोंट रिकॉल आई रिमेंबर एनीथिंग मतलब बैठ के लिख आई थिंक आई नीड माय पेन एंड पेपर तो फिर याद आएगा बट ऐसे तो नहीं कोई बात नहीं बट मेरे को भी मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूँ आई हैव बीन एंजॉयिंग ट्रिग्नोमेट्री फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स एटलीस्ट अ डेकेड एंड मुझे नहीं याद है कैसे निकालते हैं मुझे कभी भी नहीं याद हुआ टाइम स्क्वायर प्लस वन सेकेंड स्क्वायर होता है क्या तो मतलब आपको खुद साइन स्क्वायर याद रहता है बाकी इट्स ऑल खुद सो और कैसे खाते हैं क्लास टेंथ में तुम्हें आइडेंटिटी सिखा देंगे फिर आइडेंटिटी दे दी तुम्हें कुछ वैल्यू से फिर तुम्हें एक मुश्किल सा क्वेश्चन देंगे जिसमें सारी चीजें हो जाएंगी एक छोटी चीज सिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स करके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं ए प्लस बी इज 90 हाँ याद आ गया दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री इसी का काउंटर पार्ट है इसी के साथ पढ़ते हैं वैसे सप्लीमेंट्री बचपन में जैसे हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं सप्लीमेंट्री लीनियर पेयर से आते हैं बेसिकली ए प्लस बी इज 180 तो ये तुम्हारे सप्लीमेंट्री एंगल्स जब तुम्हें याद होगा ये पढ़ रहे थे दीज टू एंगल्स वर सप्लीमेंट्री दीज टू एंगल्स वर सप्लीमेंट्री एक लाइन में जो बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री हो गया ओके सो हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में वाई बिकॉज इन अ ट्राइंगल विद वन एंगल 90 डिग्री अगर एक एंगल 90 डिग्री है इस दुनिया में द अदर टू एंगल्स आर ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री अगर ये 90 है तो इसको अगर तुम ले लेते हो 30 डिग्री 30 तो चलो इजी हो गया लेट्स टेक 40 डिग्री तो ये अपने आप 50 हो जाएगा व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज दीज टू शेयर अ ट्रायंगल ये जो तुम्हें समझ में आना चाहिए बात कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स शेयर अ ट्रायंगल राइट ट्रायंगल्स की बात करूँ तो ये एक ही ट्रायंगल में बैठे हैं और अगर एक ही ट्रायंगल में बैठे हैं तो इनकी साइड्स आगे पीछे घूम रही हैं किसी एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा लेट्स एज्यूम दिस वैल्यू इज दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी मान लेते हैं तो 40 का साइन साइन 40 डिग्री हो जाएगा ए बाई सी बट कॉस 50 ये भी ए बाई सी के बराबर है तो साइन 40 विल बी कॉस 50 एंड वाइस वर्सा इसके सारे एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज फॉलो दिस रूल साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन का कॉस हो जाता है टैन का कॉट हो जाता है और सेकेंड का कोसेकेंड हो जाएगा ठीक है another thing that you can do with the right angle triangles तो अभी तुम देख रहे हो हम right angle triangles को explore कर रहे हैं अभी थोड़ी देर तक ठीक है ये हमने सीख लिया complementary angles अबे हाँ what else do we have in class 10 अच्छा main game खेलने से पहले class 10 में और क्या सिखाते हैं class 10 में सिखाते हैं rearrange करना identities को ठीक है rearrange करना कुछ कुछ उसके expressions के साथ खेलना which will come in handy अगर तुम identities वगैरह prove या derive वगैरह कर रहे होगे So let's do that actually. Let me open Khan Academy. ठीक है. नहीं मेल नहीं खोलना मेल नहीं खोलना. Too late. ठीक है. अब कोई बात नहीं. उसको edit नहीं करेंगे. ज़्यादा कुछ hackable है नहीं इसमें. और अगर मेरी video देख के कोई hack कर रहा है. तो यार मत करो. What site? Cool. It's a very cool site. It has a sidebar as well. ठीक है क्लास 10th में जाते हैं एंड लेट्स आस्क सुप्रिया टू डू स्टफ करो तुम क्विट करके एक बार दोबारा ज्वाइन करो लेट्स दिस इज इंपॉर्टेंट आई नीड टू सॉल्व एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चंस एक मिनट तुम बस इसमें पहले स्टॉप करो शेयर करना आई डोंट नो सेटिंग में कैसे ऑप्शन आया था स्टॉप करो शेयर करना लेट मी ट्राई वंस मोर इफ आई वांट टू शेयर अरे हद है ये शेयर हो रहा है कैन यू सी हां I can only share a part of it. Like, what can you see? I can see your desktop. अब तुम scroll right करो, scroll right करो. I was also seeing a doc. हाँ, I can see your Wacom as well. हाँ, ये पूरा दिख रहा है. My other screen, उस वो नहीं share हो रहा है. Like, I can only share my desktop one, which is weird. तो वो desktop one नहीं है ना? It's not weird. That's another desktop. नहीं, it's connected to the same laptop ना.
But so that's a different desktop. In another sketchbook file. ठीक है. Okay. अब बताओ. So I'm going to ask you to open Khan Academy. X. ठीक है. A leader in the 2020. पता नहीं क्या सब पढ़ती होती है. Other stuff. सब जा रहे हैं. बोला था मैंने बंद कर देखो Prime देख रही बैठ के. ठीक है. अरे मतलब खुला रहता है वो शेयर. दूसरा स्क्रीन ओपन रहता है. ओपन ओके. पैसे कटेंगे पैसे कटेंगे. ओके ठीक है. नीचे जाओ. सॉल्व इसमें ऊपर जाओ. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में जाओ. लास्ट बच्चे थोड़े हम. लास्ट सबसे नीचे था और नीचे. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चैलेंज प्रॉब्लम ओपन वन. तो ये हम ही लोगों ने बनाई है. नाउ ठीक है. सॉल्व दिस वन. इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर लो. क्या क्या करना पड़ रहा है लाइफ में. तो ड्रैग करोगे तो इश्यू हो जाएगा. हाँ. ये मुझे नहीं पता था. नहीं हमको भी नहीं पता था. आई एम ट्राइंग समथिंग अपेरेंटली नॉट वर्किंग. अब तो नहीं हो पाएगा. सो यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन एंड उसको ऐड एज इमेज करना पड़ेगा. हां आई फॉरगॉट इट. यू हैव टू क्रिएट अ न्यू फाइल न्यू. टेक अ स्क्रीनशॉट अगेन. Add image. Okay. अभी आएगा. हाँ आ गया आ गया. ठीक है. Good. Let's do this. ठीक है. Let's very. हाँ very horrible color था बीच में. But ठीक है. और oh God horrible तो नहीं था. Come on. ठीक है. We have two expressions. हाँ मतलब पढ़ ले दो मिनट. चलो. ठीक है. We have. Go for it. This is your content as well. This is you. Okay, we have e दिया हुआ है हमें cos 58 times sin 22 divided by sin 32 into cos 68 and f कुछ दिया हुआ है. हमें निकालना है 4 times z and root 3 है without using a calculator. ठीक है. So I can clearly see हम लोग यहाँ पर complementary angles का इस्तेमाल कर सकते हैं. So I'm gonna try. अपने हिसाब से करो. जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं जो यहाँ तक बैठ गए हैं हमारी वीडियो में they're very the good stuff. उनको they don't need that style. Cool, तो you can be you, हाँ. Okay, पहला तो मतलब I'm gonna tell you इस वाले उस पे लिखना बहुत अजीब है क्योंकि I don't use this. तो 4e I'm just gonna find out cos 58 दिया हुआ है. तो cos 58 is basically अच्छा रुको पहले बाद में लिखेंगे. And sin 22. 90 minus 58 कितना होता है. 90 okay 2 हो जाएगा 60. 32 हो जाएगा. ओके. सो sin 32 है नीचे. तो बेसिकली sin 32 इज cos 58. करेक्ट. करेक्ट. एंड तुम्हारा sin 22 है ऊपर एंड ये भी सेम ही है एक्चुअली. अगर sin 22 ऊपर है तो ये नीचे तुम्हारा cos 68 जो है वो बेसिकली sin 22 है. sin 22 हो जाएगा. ठीक है. आई हैव डन इट ईदर वेज बेसिकली. तो ये तुम्हारा एक्चुअली 1 के ही बराबर है. तो 4e इज बेसिकली 4 ओनली. एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट रूट थ्री एफ कितना होता है. सो रूट थ्री टाइम्स एफ है हमारा. आई जस्ट कीप ऊपर वाला फिर से सेम थिंग ओनली. कॉस 38 डिग्री टाइम्स. ठीक है. हाँ नहीं आई ये वाला जो मेरा डेस्कटॉप है इट्स नॉट अकस्टम टू राइटिंग. आई डोंट नो आई एम नॉट एबल टू शेयर अदर वन बट ठीक है. चलो tan 18 डिग्री है हमारा. ओके. सो आई हैव अ बंच ऑफ tans हियर. So, mm-hmm. Oh, okay. Oh. ठीक है. I like the O. ठीक है. This is, we're going in the right direction. नहीं, maybe not. ऐसा नहीं है. Okay. So, तुम्हारा 18 degree अगर तो, एक second, hold, let me think. Oh, so tan और sec यहाँ से वो हो जाएगा. Like tan 18 is basically तुम्हारा tan का उल्टा क्या होता है? Sec होता है ना? Cot. नहीं, cot. Sorry. Always, ये हमेशा गड़बड़ी होता है. तो ये is basically cot. 72 डिग्री एंड तुम्हारा लास्ट वाला जो है वो tan 72 है. तो बेसिकली cot 72 इज वन बेसिकली tan 72 ये जो आपस में वो हो जाएंगे बिकॉज़ दे आर इनवर्स. ठीक है. एंड सिंपली tan 35 एंड tan 55 आल्सो गो अवे बिकॉज़ tan 35 इज cot 55. सो ठीक है. हां तो ये नीचे हम मिटा देते हैं. आई एम नॉट गोना राइट दिस. ऑफ कोर्स what we have left is tan 60 degree. इसका value हमने निकाला था, which is root 3, right? ठीक है. tan 60 root 3 होता है ना? ठीक
हाँ ठीक है एंड देन बस वी हैव रूट थ्री एंड कॉस 38 और कोसेक 52 कॉस और नहीं ये तो साइन होता है राइट तो एक सेकेंड रिमेम्बर कॉस एंड साइन आर द सेम थिंग तो ये जो है तुम्हारा ये साइन हो जाएगा बेसिकली साइन 58 डिग्री एंड साइन एंड 52 ठीक है यार ओके माय लैपटॉप स्लो कुछ हिल नहीं रहा है कोई बात कोई बात ठीक है तो साइन 52 और कोसेक ये भी ऑपोजिट होते हैं तो ये बेसिकली 1 है तो 1 ओह दिस इज आल्सो 1 ओह सो 4 - 1 4e - ये जो भी है इसको सबट्रैक्ट करने पे 4 - 1 सबट्रैक्ट करना व्हिच इज 3 लेट्स ट्राई लेट्स चेक खाने के अंदर चलते हैं वाओ नाइस वर्क लेट्स डू सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज हो जाएंगे ऑल आई एम ट्राइंग टू डू इज एक लेट्स डू वन मोर इसमें कोई एडिटिंग okay. वगैरह है क्या नहीं 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 दिस 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 इज नॉट नॉट इंटरेस्टिंग अब इसमें वैल्यूज उठा के डालनी नो 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 इसमें इसमें कर दो बाद में करेंगे पुट पुट नहीं नहीं पुट 15 है ट्राई लेटर करके रैंडम आंसर गलत डाल दो हाँ स्किप फॉर नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग स्क्वायर लगे हुए यहाँ पर यस ट्राई लेट्स ट्राई दिस वन हाँ दिस इज द लास्ट वन एंड देन वी आर मूविंग अहेड I'm gonna open a new layer. Add image. तुमने बनाई थी एक्सरसाइज मैंने बनाई थी ट्रिगो किसने बनाई थी आई डोंट रिकॉल हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनाया था आई थिंक इट्स यू ठीक है दिस वाज बिफोर समझ गया हां तुम लोग वीडियो बना रहे थे समझ गया याद आ गया हां दिस वाज बिफोर माय टाइम ओके अगेन वी हैव टू एक्सप्रेशंस तुम्हें लगा था ऐसे क्वेश्चंस खान एकेडमी में होंगे डिड यू दिस इज आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग हम देखे ये सारे क्वेश्चंस एट वन पॉइंट इन टाइम सो आई नो बट या गुड जॉब आशीष Nice questions. उठा के छापे थे उसमें से पिछले साल के पेपर वाले छापे थे या ओके वैल्यूज चेंज कर दूंगी शायद हाँ हाँ तो पहले हम निकालेंगे 5/3g तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5/3 टाइम्स g कितना है और फिर से यहां पर निकालो ना बाद में 5/3 कर देंगे हां मतलब ठीक है ये cos 88 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज़ sin 2 इज cos 80 एंड देन cos 41 इज बेसिकली sin 49 सो दिस आल्सो सो बेसिकली दिस इज आल्सो 1 मतलब G whole thing is 1. 1. ठीक है. तो try darker color. Try darker color on the white part. You don't have darker colors. तुम्हारा palette बहुत interesting है. I know. I think we have talked about this हाँ in a different video. ठीक है. Okay. और फिर H हमें निकालना है. Oh, so we have 2/3 H. तो H यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास है. secant square 33 okay हमने क्या identities पढ़ी थी I love it love it you already forgot nice नहीं नहीं I remember but I'll have to like I don't remember दोबारा करो derive do it for us ये तुम्हारा 90 angle this is perpendicular ये तुम्हारा base है और ये hypotenuse है then by Pythagoras theorem we know this is अरे क्या कर रहे हैं डिवाइड कर सकते हैं लेट्स डिवाइड बाय लेट्स परपेंडिकुलर से पहले डिवाइड करते हैं तो अगर हम सबको परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देंगे तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर तुम्हारा साइन का उल्टा यानी कि cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहां पे थीटा लिख देते हैं जस्ट दैट देयर इज नो कंफ्यूजन और ये हो जाएगा 1 प्लस cos का उल्टा तुम्हारा sec स्क्वायर थीटा सो दिस इज द सेकंड वन एक सेकंड बेस बाय परपेंडिकुलर इज नॉट sec सॉरी cot हो जाएगा अरे यार हमेशा आई एक सेकंड मेरा ये वाला बार नहीं आई एम जस्ट गेटिंग माय बार दूसरे स्क्रीन पर है ये ठीक है दिस इज तुम्हारा cot स्क्वायर थीटा डोंट ड्रॉप दिस तीसरे वाले पे लिख लो साथ में हां आई एम गोना डू दैट फिर अगर हम सबको बेस से डिवाइड कर देंगे आई थिंक वी शुड गिव यू अ न्यू लैपटॉप अरे यार ओके ऑलराइट ठीक है हाइपोटेन्यूज बेस कितना होता है relax relax aram se
थीटा यानी कि sec square थीटा और perpendicular by base हो जाएगा तुम्हारा tan का उल्टा क्या होता है cot square थीटा और ये हो जाएगा तो perpendicular by base तो tan ही होगा ना उल्टा क्यों कर दिया हमने ठीक है I mean the flow of the moment सब कुछ हम इन्वर्स कर दे रहे हैं yes अब so हाँ अब बताओ क्या करें अब इसका लिख ली थी ना तुमने जो पहले हम अपना बोर्ड साफ कर लें थोड़ा सा should have not deleted it but ठीक है क्या करना चाह रहे हैं why is my hold on उसको दोबारा हाँ मतलब अच्छा। मेरा पेन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव नहीं है इस समय That's what I'm trying to do, but okay. Cool. तो अब हमें निकालना है 2/3h, okay? तो अब हम 2/3h निकालने के लिए, let's use sec square theta minus cot square theta हमारे पास. होता ही नहीं. तो मतलब सोच लेंगे, we'll do something with sec square theta. तो second, sec और tan का ये होता है, तो we can just use this one. We can convert basically इसको जो है इस वाले में. तो it will be 1 plus tan square 33 degree. And minus cot square 57 and cot was complementary to tan which is tan square 33 only. Perfect. And then we have niche sine square 12 degree plus sine square 78 degree. So yahan se hum keh sakte hain. Okay. So sine ka tumhara ye wala identity hum use karenge sine square plus cos square theta. So sine ka complementary angle hoga tumhara cos square theta. To ye ho jayega tumhara cos square 78 degree. And plus sine square 78 degree hai to ye one ho jayega and we had one more one because nice yeah ek second nahi thoda sa yahan gadbad ho gaya hai ha tan tan one sahi to ja rahe the tum kya gadbad ho gaya nahi humko laga minus ek second ha nahi sahi tha sorry my bad sine square tumhara 12 fir se likhna padega humko mat likho bas put it 1 plus 1 mat likho theek hai copy thodi check kar rahi hai madam ha हाँ मेरा पेन थोड़ा सा ओके I'll not let you write this much I think I've got the feedback मैं खुद लिख लूँगा no because this Wacom I don't use I use the bigger one and this is Anmol's and I couldn't find my yeah अच्छा. I'll fix it ठीक है तो यहाँ से ही हो गया हमारा h की वैल्यू आ गई हाफ हाँ wait no h की वैल्यू हाफ आ गई I'm missing something tens oh I'm missing ye squares hai but one ko square square to one hi hota hai and tan square 45 tumhara kitna hota hai 45 is one only na ha to one add kar chuke ho nahi one to add kar chuke ho tan wala the first one was sin square plus cos square so pehli to term mila ke one hua aur teesri term bhi one okay so this is basically into 2/3 to ye tumhara ho jayega 1/2 into 2/3 which is 1/3 aur upar hai hamara 5/3 1/3 तुम्हारा हो जाएगा 6/3 व्हिच इज 2 लेट्स डू दिस लेट्स ट्राई ये अभी से बंद कर दो वहीं जाओ वापस खान एकेडमी पे ओके इसे बंद कर दो दिस इज FYI दिस इज रिफ्रेशिंग इवैल्यूएटिंग एक्सप्रेशन यूजिंग दिस ट्राई दिस वन ट्राई द सेकंड लास्ट एक्सरसाइज इसको यहीं पर ही कर लो लेट्स गो यहीं पर एक इसमें ये बॉटम लेफ्ट में एक बटन होता है डंडे वाला बटन होता है इसमें इतना लिखना नहीं होगा क्या डंडे वाला बटन होता है बॉटम लेफ्ट में एक पेन हां इसमें यू कैन स्टार्ट राइटिंग बिकॉज़ इसमें इतना है ही नहीं ना कि दैट यू टेक स्क्रीनशॉट एंड कॉपी पेस्ट करो थोड़ा छोटा मोटा ही है सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज इक्विवेलेंट टू द गिवन एक्सप्रेशन ठीक है sec square theta minus tan square theta ठीक है तो फिर से we can use हमारा identity जो हम यहाँ लिखे थे क्योंकि हमेशा भूल जाते हैं तो sec square theta 1 plus tan square theta होता है तो 1 plus tan square theta और ये minus minus हो जाएगा तो यहाँ basically ये हमारे पास 1 बचेगा love it ठीक है speed तो ये हो जाएगा 1 cos x and cos 1 by cos x is basically sin x let's check yay let's do a few more ओके सो 1 प्लस cot square थीटा वापस हम अपना ये देखेंगे इस cosec square थीटा तो sin square into basically ये तुम्हारा पूरा cosec square है and with this is 1 by sin square only right तो ये कट गया और ये 1 बचा ठीक है दिस इज वेरी इसी स्पीड पे कंटेंट होना चाहिए खान एकेडमी पे ऐसे मतलब, ही कंटेंट होना चाहिए गंदा है ये नहीं गंदा है पर धंधा है ठीक है लेट्स मूव ठीक है तो ये तो 1 minus sin square is basically cos square
तो ये तुम्हारा हो गया cos by sin, which is cot square. ठीक है. Let's do more. Oh, mastery हो गई तुम्हारी. Oh, ये क्या आ गया? What the hell? चलो ये भी कर लेते हैं. So bad type, bad design, bad type. ठीक है. Actually, you're right. Like ये type यहाँ क्यों है? But because कहीं तो डालनी थी identity, कहीं तो डालनी थी identities, तो मैंने यहाँ डाल दी. ठीक है. ओके. sec और तुम्हारा क्या cos वो होता है, तो बेसिकली sec 18 तुम्हारा हो जाएगा cosec 72, राइट? ये हो गया तुम्हारा cosec 72 स्क्वायर टू टाइम्स माइनस tan और cot होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज योर आइडेंटिटी, राइट? या cosec माइनस cot स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 2 cot स्क्वायर 72. और cosec स्क्वायर कितना था? 72 ओनली. ओह, तो सेम ओनली ना, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो 2. ओह, 2 माइनस 3 भी है यहाँ पे, तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1. थोड़ा डर लग रहा है, बट लेट ट्राई करके देखते हैं. रुको, नहीं तो फिर एक बार प्लस माइनस. नहीं नहीं, मत देखो यार, गो वाइल्ड, रिस्क लो. माइनस 1, एक सेकंड. माइनस 1 आंसर डालूंगा मैं, क्या मैं खुद के बारे में सोच रहा हूँ. विल आई पुट माइनस. ओके, आई गेट. ठीक है, बैड काउंटिंग, ग्रेट. Let's close this. Let's celebrate. Let's celebrate class 10 trigonometry. Within 30 minutes, you're done. Class 10th ki trigonometry tumhe aa gayi. Not only that, you're up to speed as well. Tum fatafat questions solve kar pa rahi ho. So you can close this connection. Tumhara ho gaya. Mera ho gaya. Okay, I'm you just can stop sharing this. Stop sharing your screen. Take a sip of water. Give yourself a pat on the back. This is, you're up to speed now. 10th ka aa gaya tum. 36 se 90 se shuru kiya tha. Okay, let's share this screen. मेरी स्क्रीन में भी लैग आ रहा था क्या? और were you able to see my screen clearly? नहीं, yours is fine. I think मेरे पता नहीं क्या दिक्कत है, मतलब maybe एक बार मेरा लैपटॉप शायद गिरा हो रहा होगा, शायद ऐसे स्लो हो गया, I don't know. तो ट्रिगो के दो वर्जन है एक्चुअली, बहुत सारे वर्जन है, बट तुम्हारे 11th 12th की डेफिनेशन में ट्रिगो का जो तुमने अभी पढ़ा था वो बेसिक वर्जन था. ऑफ कोर्स सुप्रिया कर पा रही है सारे क्वेश्चन, सो इट हैज टू बी अ बेसिक वर्जन. सो नाउ वी आर एंटरिंग अ प्रो वर्जन. ठीक है, अब हम फुल वर्जन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का. बीच में एक रुकावट आई थी, 15 डिग्री नहीं निकल रहा था, 0 डिग्री के पीछे कुछ छुपा हुआ था, 90 पे कुछ छुपा हुआ था. बट अब हम जो एक्सप्लोर करने वाले हैं, वो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं साइन ऑफ 1375 डिग्री, कॉस ऑफ माइनस 300 डिग्री, कुछ भी चलेगा, एवरीथिंग गोज. Cot of 0 degrees, whatever that means. Cot 0 mein issue aa sakta hai, shayad nahi aayega, but you get the idea. Unit 12 kuch yaad aa raha hai, we had this session before, deja vu. I know, that's how I always begin. But before we go ahead and do that, before hum isme jaye, hum apni vocabulary thodi si improve kar lenge. What we'll do is we'll get ek angle measure karne ka tarika tha degree, theek hai, jo zyada nahi hai tumhare paas, aur ek hai radian. बीच-बीच में मैं बर्न करता जा रहा हूँ, I hope you don't mind, but so you didn't, she missed it, so ठीक है, थीटा डिग्री और थीटा रेडियन, नहीं nothing, तो वो कमेंट्स में दिख जाएगा तुम्हें, you'll find it in the comments, that's not very boring, तो थीटा डिग्री और थीटा रेडियन, ठीक है, ये होता है तुम्हारा फुल सर्कल और ये होता है चांद, ये तो नोटेशन है, but what does this mean, why do we need a different, जैसे सेंटीमीटर और इंच होता है, one can be converted to another, aise hi angles ke case mein there are at least two ways of measuring angles, one jo hum ab tak padhte aaye the degrees, and the other one is radian. First question is why do we need a new one, theek hai, second question is in dono mein relation kya hai. To mai notes banane ki zarurat nahi hai, you will get this video, youtube ka link mil jayega tumhe. To batao tumhe pata hai radian ke bare mein kitna pata hai, chalo pehle ye batao, matlab why do we need it, I remember you told me this but maybe I forgot, but I know the relationship basically, radians koi mazak nahi udaya, matlab mera wahi yaad hai, ek circle mein 360 degrees hote hain aur 360 degrees mein tumhara jo circumference hota hai wo 2 pi r ke barabar hota hai, to 1 degree agar tum lete ho to it will be, kya kar rahe ho, kuch nahi kar raha. Okay, so new way of measuring, मैं फटाफट बताता हूँ कि हमें कहाँ जरूरत पड़ती है इसकी. डिग्री का फंडा ये 360 कहाँ से आया, 360 डिग्री क्यों होते हैं सर्कल में, 400 क्यों नहीं होते और 1000 क्यों नहीं होते, ये 360 कौन लेकर आया? तो ये एक इनपुट है जो हमने ह्यूमन से इन्फ्यूज किया है,
सर्कल तो भाई सर्कल तो डू यू बिलीव दैट सर्कल इज अ नेचुरल इट कम्स फ्रॉम नेचर इट डजंट कम फ्रॉम ह्यूमन हमने क्रिएट नहीं किया सर्कल बट ये 360 नंबर एक सर्कल में 360 डिग्री होता है ये हमारी कहानी है ये हमने कहानी दी है ये खान अकेडमी पे भी वीडियोस हैं मैंने रिक्रिएट भी किए हैं इसके बहुत सारे लोग अलग अलग हिस्ट्री है इसके पीछे बट वन ऑफ द स्टोरीज इज कि एक जमाने में हमें पता लगाना होता था खेती कर रहे होते थे या कुछ भी कर रहे होते थे हमें पता लगाना होता था वी वांटेड स्ट्रक्चर इन आवर लाइफ हमें पता करना होता था कि भाई अगली बार गर्मी कब पड़ेगी अगली बार बारिश कब होगी अगली बार ठंड कब होगी तो वी स्टार्टेड काउंटिंग थिंग्स काउंटिंग तो बहुत पहले से आती थी बट वी स्टार्टेड काउंटिंग डेज एक डे को हमने बोला कि जब पूरा सूरज वापस दोबारा आ जाएगा तो दैट्स वन डे और फिर हमने देखा कि ऐसा कितने बार होता है बिफोर वापस गर्मी आ जाए या वापस सर्दी आ जाए या फिर या वापस बारिश आ जाए या समथिंग लाइक दैट सीजंस चेक करने की कोशिश कर रहे थे एंड वी रियलाइज्ड सोचो कितने एक्सपेरिमेंट लगे होंगे इसको करने में एंड वी रियलाइज्ड कि रफली 360 दिन लगते हैं 360 नहीं लगते हैं नाउ वी नो 360 से ज्यादा लगते हैं 364.365 समथिंग लगता है लीप ईयर वीप ईयर वाला कांसेप्ट है बट उस जमाने में उतना प्रिसीजन काफी था और अच्छी चीज ये भी है कि कोई आगे बढ़ के बोला नहीं नहीं 360 मतलब 364 या 365 लो हम बोलेंगे नहीं नहीं तू साइड हट कोई दिक्कत नहीं थी हमें तेरी जरूरत नहीं है व्हाट वी वांट इज आल्सो अ नाइसली डिविजिबल नंबर 360 के इतने सारे फैक्टर्स हैं 360 इज 1 2 3 4 5 6 नॉट 7 बट 8 इट्स डिविजिबल हुआ 360 40 408 9 10 यू कैन 11 नहीं है 12 यू कैन सी 360 के कितने सारे फैक्टर्स हैं सो तुम कितने आराम से डिवाइड कर सकते हो महीनों में क्वार्टर्स में and a lot of other things अच्छी चीज़ है अच्छा डिविजिबल नंबर हमारे लिए is a good number so हम लोग आपस में मिलके हमने बोला एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं that's where the circle coming from अब तुम सोचो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकती है मान लो तुम अर्थ में पैदा नहीं हुई होती मान लो तुम मार्स से पैदा हुई होती या प्लूटो पे पैदा हुई होती या किसी और सोलर सिस्टम में किसी और प्लैनेट पे पैदा हुई होती और उसमें एक सन नहीं दो सन होते और उसमें या मान लो एक भी सन होता तो उसको 360 दिन नहीं लगते तो तुम्हारे सर्कल में अगर तुम भी मैथ पढ़ रहे होते हो तुम्हें मैथ बना रहे होते हो तुम्हारे सर्कल में 360 डिग्री नहीं होती किसी में ज्यादा होती तो किसी में कम होती तो वी वॉन्टेड दिस ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि नहीं यार ये डिग्री से तो काम नहीं चलेगा वी वॉन्टेड समथिंग दैट इज यूनिवर्सल ट्रूली यूनिवर्सल ये तो तुम्हारा अर्थ पे मेक सेंस बट वी वॉन्ट वन मेजर दैट इज ट्रूली यूनिवर्सल इसलिए मेरे को रेडियंस ज्यादा पावरफुल लगता है मैं नहीं बोलूंगा ज्यादा यूजफुल है कि नहीं है 11 12th में ज्यादा काम आता है या बच्चों को ज्यादा इंटरेस्टिंग रहना चाहिए फालतू में एक कैलकुलेशन ऐड कराने का इंसेंटिव ये भी तो होना चाहिए कि तुम डिग्री से रेडियन की तरफ जब तुम मूव करो तो यू फाइंड योरसेल्फ थोड़ा सा मोर यू हैव अ मोर यूनिवर्सल टूल मोर पावरफुल टूल दिस विल नॉट चेंज ऐसी कोई प्रॉपर्टी सर्कल की उठाओ जो सर्कल के लिए ही हो बिकॉज that stays with the circle that doesn't require planets that doesn't require sun or stars and stuff to uske hunt mein hame ek nayi cheez mili hame mila radian mila kya humne khud banaya and let's talk about radiance what is a radian radian ko define karna aata hai tumhe kya tumhe conversion to pata hai but radian ko define kaise karte hain to radian ko define kaise karenge ab dekho ek achhi cheez yahan par ye hai ki a circle is a very symmetric figure circle ka ek radius maan lete humne maan lete radius hai r ठीक है अब तुम क्या करो यहाँ से यहाँ तक सर्कल का रेडियस आर बना के एक नो यहाँ पर किल डालो और एक सर्कल ड्रॉ कर लो यू कैन ड्रॉ द सर्कल ऑसम डिग्री का फंडा क्या है डिग्री का फंडा ये कि तुम सर्कल के अलावा कितना चल रहे हो दिस कुड बी 60 डिग्रीज दिस इज 90 डिग्रीज बट इन द एंड यही तो बता रहा है कि तुम सर्कल के अलावा कितना चल रहे हो तो वाई डोंट यू एक्चुअली मूव अराउंड द सर्कल तो अगर तुम्हारा रेडियस आर है तो एक काम करो तुम आर यूनिट सर्कल इस रस्सी को यहां से यहां तक कर्व कर दो आर यूनिट सर्कल के अलोंग चलो अगर ये आर कदम है तो यू टेक आर स्टेप्स अलोंग द सर्कल और जितना भी वो बनता है उसको तुम मान लो दिस इज योर न्यू यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिस इज योर वन रेडियन बिकॉज रेडियस से आया है इसलिए रेडियन नाउ तुमने सर्कल की प्रॉपर्टी सर्कल के अंदर ही रख दी अब तुम इस सर्कल को जब तुम बड़ा करोगे इफ आई इंक्रीज द सर्कल ठीक है उसका रेडियस बड़ा हो जाएगा लेकिन बिकॉज सर्कल इज अ सिमेट्रिक फिगर उसका रेडियस यहाँ भी बड़ा हो जाएगा यू विल ऑलवेज एंड विद वन रेडियन तो सर्कल तो वन रेडियन विल स्टे वन रेडियन विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज ठीक है फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है बट रेडियन तो समझ में आ गया और मेरे पास इतनी सारी चीजें डिग्री में पड़ी है हाउ डू आई कनेक्ट दीज टू
तो तुम सोचो कि अच्छा पूरे एक कदम चलो, इफ यू टेक वन रेडियन स्टेप्स तो तुम यहां पहुंचते हो. हाउ मेनी सच स्टेप्स डू यू, चलो तुम एक और चलते हो, लेट्स से यू वांट टू टेक वन मोर, तो तुम यहां पर आ गए. दिस इज टू रेडियंस, तुम 360 स्टेप्स ले लो. यू वांट टू फाइंड अ कनेक्शन बिटवीन 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, लेट्स से 6, 7 नहीं हो पाता पूरा. सेवन नहीं पूरा होता बिकॉज फिक्स्ड है. मैंने कंपास से बना बना के भी देखा है. बट लेट्स कनेक्ट दिस टू, हाउ मेनी स्टेप्स डू वी नीड इफ वन स्टेप इज इक्वल टू आर यूनिट्स, हाउ मेनी स्टेप्स टू कंप्लीट द फुल सर्कल. कितने स्टेप्स चाहिए? एक स्टेप को हमने एक रेडियन बोल दिया, वन रेडियन. लेट मी पुट इट यहां पर. One radian covers r steps. How many radians cover full circle? Why basically, matlab from what we know, ki ek circle mein tumhare 360 degrees hote hain. Agar tum nahi, abhi hum degree ki baat nahi karenge. Okay. There's no degree involved. You don't need degrees right now. Okay, so I just have to tell you कि कितने radians हम ऐसे चलेंगे? कितने कदम चलेंगे? Answer तुम्हारा 6 और 7 के बीच में है. Okay, 6 और 7. Okay, do I need to use trigonometry? You don't need to use trigonometry. You need to basically talk to the circle. हाँ, circle में सोचो आराम से, ठंडे दिमाग से सोचो. मैं तुम्हें दे सकता हूँ solution. सोचो circle पे तुम चल रहे हो, कितने कदम चलने पड़ेंगे? You'll finally understand what a radian is. तुम्हें दोबारा कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी radian क्या होता है. I get it. Because ये है r, तो ये जो white वाली तुम्हारी radius है, वो भी radius ही है. तो कैसे? It's an equilateral triangle almost. नहीं. No. Well, see, yes, you're right. This triangle is very close to equilateral, but that has nothing to do with what we are. नहीं. बट अगेन डिग्री वाले कॉन्सेप्ट है, क्योंकि equilateral triangle तो 60 डिग्री पे है, तो that's why like. अभी वहाँ नहीं जाना. वो हम कनेक्ट करेंगे. That's the last piece. अभी हम सिर्फ रीडिंग की दुनिया में. भूल जाओगे तुमने डिग्री पता भी है तो हमें क्या पता है? व्हाट डू आई नो? जस्ट रेडियन की डेफिनेशन की अगर आर यूनिट का रेडियस सर्कल है और आर एंड व्हाटएवर यू नो अबाउट एंड व्हाटएवर यू नो अबाउट सर्कल्स व्हाटएवर आई नो अबाउट सर्कल्स जैसे आर्क का यूज कर सकते हैं. मतलब आई डोंट नो इफ मतलब इज इट आर्क का कॉन्सेप्ट अगर r radius है इसका and it's making an arc of length r. एक सेकंड हमको थोड़ा. हाँ हाँ तुम लोग तुम ही करोगे. This is you, not me. नहीं मतलब. You're going to find out what one radian is by yourself. Question in front of you is, एक कदम चलने से you moved r steps along the circle. कितने steps लूँ मैं? How many such radians are there in a full circle? It's finite. ये तो पता है finite होगा. हाँ मतलब I get it कि because it's very close to equilateral. ठीक है मतलब I can't use trigonometry. वो तो तुम visually देख के बता रहे हो it's very close to trigonometry. But ठीक है मतलब so what I know about circle I'm just gonna maybe कि circumference जो होता है वो 2πr होता है basically. हमारे सर्कल का तो अगर हम r स्टेप्स चल रहे हैं और हमें 2πr पूरा करना है देन वी विल मूव 2π राइट लाइक दैट्स इट यू दैट्स इट यू सॉल्व इट व्हाट यू जस्ट सेड लास्ट लाइन में वाज 100% ऑन पॉइंट एग्जैक्टली जो तुमने बोला हमारे सर्कल में 2πr सर्कमफेरेंस है एंड वी आर टेकिंग r पर स्टेप एक स्टेप हमें r यूनिट आगे ले जा रहा है तो वी नीड 2π स्टेप्स आई नो इट्स एन इरेशनल नंबर व्हिच डजंट फील राइट बट सर्कल डजंट केयर that you feel what you feel about circles don't care about you so you need to take 2π steps and one step is a radian so you need to have 2π radians in a circle let's think about iska matlab kya hai we know the rough value of pi is 3.14 so you need to take 2 times 3.14 steps or radians ek radian I'm going to say it again. A radian is when you move one radius along the circle. So you need to do this activity. You need to do this thing 6.28 times.
So if you do it 6 times, you're a little short. If you do it 7 times, you have crossed the circle. Once, pura circle cover ho gaya. So that's where radians are coming from. One circle is 2π radians. So ab to main samajh mein aa gaya, ek circle mein kitne radians hote hain? 2π radians hote hain. They're roughly 6, slightly more than 6. Without talking about degrees. अभी तक डिग्री पिक्चर में नहीं आया. ओके ठीक है. ओके नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस डिग्रीज. इफ वन फुल सर्कल टेक्स, इफ यू नीड 2π radians टू डू द सेम थिंग दैट 360 डिग्रीज कैन डू, दिस मींस बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. और रेडियंस को लिखने का तरीका होता है यू पुट अ आर्क हियर, और डिग्रीज को लिखने का तरीका होता है यू पुट अ डिग्री हियर. ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. आज तक हमको लगता था कि ये C है, by the way. I've always thought it's a C. It's a कुछ भी C भी बुला सकते हो. I don't care. It's a मेरे को जैसा दिखा किताबों में. नहीं नहीं yeah but now it makes sense ना कि it's an arc basically. It's not a C. But all my life I thought कि when it's written radians just basically ऊपर C डाल देते हैं. That's a radian. Interesting. क्या पता C डालते हो. I might be wrong. But now you know ये दोनों आपस में connected नहीं है. The full circle connects these two. So. ये हमारा दिस इज मैन मेड दिस इज चीप, दिस इज ऑल्सो मैन मेड बट दिस फील्स मोर प्योर, दिस फील्स मोर ऑथेंटिक. सो बट यू नो बोथ नाउ एंड यू कैन कनेक्ट दीज टू. इसके बाद तो एनसीईआरटी और सीबीएसई इसका कूड़ा बना देते हैं कि चलो 25 डिग्री में निकालो और 30 डिग्री में निकालो, डबल डिजिट तक निकालो, ट्रिपल डिजिट निकालो. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ऑफ दैट. व्हाट वी वांटेड टू स्पेंड टाइम ऑन वाज वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम and how do they connect. So kuch angles ke liye kar lenge, jo famous angles hai unke liye kar lenge, so that we are well versed with this translation. 2 pi radians is a full circle 360. This means that pi radian is 180 degree. Pi by 2 hota hai hamara 90 degree and pi by 4 hota hai hamara 45 degree. You can ek pi ko tum aise maan sakte ho, this is your 180, this is also your pi. ओके कूल. बट छोटा सा मेरे का यहाँ पर वो है, बट 2π 360, 2 × 3.14, 360, 6.28, 360, the numbers don't add up. पाई की वैल्यू 3.14 होती है. ओह आई मीन बिकॉज़ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना पाई की. बिकॉज़ दिस इज स्टूपिड. That's why they don't have it. Because ये तुम अलग अलग, तुम क्या बोल रहे हो, तुम कह रहे हो कि एक फुट में 6 इंच होते हैं, so 1 = 6, तुम ये बोल रहे हो क्या? The numbers don't add up. But because this is stupid, you don't do this. You understand that यहाँ पर एक radian लगा हुआ है और यहाँ degree लगा हुआ है. अब मैं बोल रहा हूँ तुम ये क्यों लिख रहे हो? Okay. नहीं, you said pi is approximate. I got you on record. हो रहा है. नहीं, मेरा कुछ और मतलब था, but I thought. You literally meant equal in values. हम ये नहीं सोचे थे, like 6.28 is 360. Okay. But एक छोटा सा बीच में एक वो होता है, एक moment होता है जब बच्चे बोलते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में आया था, इसलिए मैं बच्चों को यहाँ पूछता हूँ. I was one of those stupid students who said, यार लेकिन 3.14 का double तो 360 नहीं होता, तो कहाँ गड़बड़ आ रही है, कहाँ गड़बड़ आ रही है. फिर मेरे को दिमाग में चमका, मैंने कहा दो अलग अलग मेजरमेंट के यूनिट्स हैं, एक चीज को मेजर कर रहे हैं. एक और इंटरेस्टिंग चीज कर लेते हैं. Let's figure out the value of pi. Let's figure out the value of one radian in terms of degrees. And I wouldn't ask you to do that using pen paper. हमारे पास एक अच्छी चीज है जिसे हम बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसे? कैलकुलेटर. तो कैलकुलेटर देखा तुम्हें? कैन यू सी माय स्क्रीन? यप. ओके तो हमारे पास हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए, वी हैव pi radian as 180 degrees. So 1 radian should be equal to 180 upon pi degrees. Does that make sense? Okay. But दोनों साइड pi से डिवाइड किया. Okay. But again, units तो फिर भी अलग ही है ना. Okay, but ठीक है. नहीं नहीं yeah. इसलिए मैंने पहले तो वो कंफ्यूज किया थोड़ा सा. So, पाई से डिवाइड कर सकते हैं क्या दोनों साइड? क्यों नहीं कर सकते पाई से डिवाइड?
अगर मैं हाफ कर रहा हूँ इतनी देर से, पाई बाय टू जब मैंने किया था तब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई थी, पाई बाय टू रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री, तब तो बहुत आराम से बोला था कि हाँ सही है। तो पाई से डिवाइड करने में क्या दिक्कत है, जब टू से डिवाइड होगा तो पाई से भी हो सकते थे। हाँ बट इट्स ओके पाई रेडियंस ना, आई नो आई नो, मैथ इज नॉट रॉन्ग हियर, दिस इज एन अनफेमिलियर टेरिटरी, दैट्स व्हाई योर ब्रेन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि हो क्या रहा है। पाई से 180 को कौन डिवाइड करता है, हु डिवाइड्स 180 बाय पाई, सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट, आई जस्ट वांट यू टू नो वी आर नॉट डूइंग एनी मैजिक हियर, सब कुछ सही चल रहा है। लेट्स एक्चुअली डू दैट, 180 डिवाइडेड बाय पाई, लेट्स equals to 57.29 degrees. One radian is 57.29 degrees. Slightly less than 60, which your intuition was saying. It feels like an equilateral triangle. It was very close to an equilateral triangle. But thoda sa kam. So you have 6 such triangles and then some space left. Koi yaad nahi karna isko. It's just, we're just exploring. I wrap my head around it. Haan, theek hai, I got it. Okay. So we talked about pi. NCERT में कुछ pi के बारे में reading के बारे में fun है, but I wanted you to know कि pi होता क्या है। Moving forward, let's talk about the true. हो गया हमारा pi वाला जो break था वो ले लिया हमने, ठीक है। Now what we're going to do is we're going to talk about how to find what actually is okay. Even before that, तो मैं एक छोटी कहानी पता है functions की? These are all the prerequisites. नहीं पता। तो मैं कहानी पता है relations की? उसको हाँ हाँ करना पड़ता है बिकॉज उसको सारी चीजें भूल चुका होता है वो, ऑल ऑफ दिस कम्स टुगेदर व्हेन यू टॉक अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो इसलिए पहला चैप्टर सेट्स है, दूसरा चैप्टर रिलेशन फंक्शन है, तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है। किसी को मजे नहीं आ रहे थे सेट्स पहले पढ़ाने में, तुम ट्रिगो तो शुरू कर सकते थे, बट ठीक है। सो इमेजिन 11th क्लास स्टार्ट्स विद ट्रिगो, बट वी नीड समथिंग एल्स टू स्टार्ट ट्रिगो विद, एंड देन ट्रिगो के बाद हम कैलकुलस पढ़ाते हैं, वी डू कॉनिक सेक्शंस एज वेल, फिर हम इंटीग्रेशन पे आते हैं। सो पहले मुझे लगता था कि 11th एंड 12th जिसने बनाई है वो बेवकूफ है, पूरा 11th एंड 12th डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इकट्ठा क्यों नहीं करा देता, बट उन्होंने उतना ही डिफरेंशिएशन कराया जितने की जरूरत थी आपको कॉनिक सेक्शन पढ़ने के लिए, और जब आपको ग्राफ समझ में आने लगे तब उसने फिर इंटीग्रेशन पढ़ाया, फिर एरिया अंडर कर्व पढ़ाया। सो राइट नाउ आई एम एट पीस विद हाउ द सिलेबस इज constructed. So, so let's talk about relations. Relation का मतलब क्या होता है? कोई दो चीजों के बीच में, let's say this is A, this is B. अच्छे example लेते हैं यार. Let's say 8 a.m. अभी नया example ले रहा हूँ मैं, 1 p.m. and 7 p.m. 7 p.m. को तो बहुत जल्दी हो जाएगा. Let's say 10 1 p.m. और 10 p.m. ठीक है, और यहाँ पर आ गया breakfast. मेरा laptop भी lag कर रहा है. ब्रेकफास्ट, हाँ मेरे लैपटॉप पे लगता है, फिर हो गया लंच और फिर हो गया डिनर, ठीक है। नाउ सम ऑफ अस हैव अ गुड रिलेशनशिप विद आवर फूड, सम ऑफ अस डोंट, ठीक है। तो पहले मैं अपना बनाता हूँ, ठीक है। आशीष का है, ये हो गया टाइम और ये हो गया मील। आशीष क्या करता है, 8 बजे ब्रेकफास्ट करता है, 1 बजे लंच करता है और 10 बजे डिनर करता है, दिस इज द रिलेशन। तो अब तुम पूछोगे किसी को, यहाँ पर एक ही हो गया इनपुट और एक हो गया आउटपुट। अगर तुम मुझसे पूछोगे कि 10 बजे क्या कर रहा है आशीष, तो आशीष डिनर कर रहा होगा, ठीक है। 8 बजे क्या कर रहा होगा आशीष, ब्रेकफास्ट कर रहा होगा। 8 मे बी इज अ लिटिल अर्ली। 1 बजे क्या कर रहा होगा आशीष, लंच कर रहा होगा। कोई भी वैल्यू तुमने डाली उसका कोई आउटपुट आया, दैट्स अ रिलेशन। नाउ सम ऑफ अस डोंट हैव दैट हेल्दी रिलेशनशिप विद आरपीज। अब लेट्स टॉक अबाउट सुप्रिया। सुप्रिया 8 बजे ब्रेकफास्ट नहीं करती है, सुप्रिया 1 बजे ब्रेकफास्ट करती है और 1 बजे ही लंच कर लेती है। सुप्रिया डज द कॉम्बो, 1 बजे लंच भी कर रही है, ब्रेकफास्ट भी कर रही है और 1 बजे लंच भी कर रही होती है, और आपको 10 बजे डिनर करती है। सुप्रिया डज दिस थिंग, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। रिलेशन में तुमने एक इनपुट डाला बट यू गॉट मल्टीपल आउटपुट्स, विच इज फाइन एज लॉन्ग एज बोथ ऑफ दीज आर कनेक्टेड, एज लॉन्ग एज टाइम एंड मील आर कनेक्टेड, इट्स अ रिलेशन, ठीक है। नाउ देयर इज दिस 17 गाय जो ज्यादा खाना नहीं खा रहा है आजकल, वो क्या करता है, वो दिन भर भूखा रहता है, दस दस इंटरमीडियंट फास्टिंग थिंग कुछ कुछ करता रहता है। वो रात को 10 बजे सीधा एक लंच करता है, लेट्स कॉल इट डिनर। वो रात को 10 बजे डिनर करता है एंड डज नथिंग एल्स, नो ब्रेकफास्ट नो लंच, दस बजे डिनर करता है। दिस इज ऑल्सो रिलेशन,
ठीक है और वेरी रैंडम वन, दिस इज आल्सो रिलेशन, 8 बजे भी मैं डिनर करता हूँ, 10 बजे भी मैं डिनर करता हूँ. आई नो इट डजंट मेक सेंस बट सम लेट्स गो विद इट. सो मैं तुम्हें तो समझाना चाह रहा हूँ, एज लॉन्ग एज देर इज एटलीस्ट अ सिंगल थ्रेड कनेक्टिंग टाइम एंड मील, यू हैव अ रिलेशन. ठीक है, बहुत फैंसी ये भी हो सकता है, दिस इज गोइंग ऑल ओवर द प्लेस, दिस इज ऑल्सो रिलेशन. ठीक है, एटलीस्ट वन एंड एनीवे मतलब कुछ भी हो, हाँ, एक कोई एक भी एरो है कनेक्टिंग टू डिफरेंट सेट्स विल गिव यू अ रिलेशन, विल गिव अ रिलेशन. ठीक है, नाउ व्हाट वी वांट इज सम मीनिंग इन आवर लाइफ. ठीक है, तो रिलेशन का एक सबसेट निकाला हमने, हमने कहा यार कुछ भी चलेगा नहीं चलेगा, लेट्स पुट अ रूल हियर. तो जो एक ही एकमात्र रूल जो है वो है कि एक टाइम पे आप एक ही चीज करो, एक इनपुट पे आप एक ही आउटपुट दो. ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू दिस ग्राफ. 8 बजे ब्रेकफास्ट, 10 बजे डिनर एंड नो लंच, इज दिस द रिलेशन? पहला क्वेश्चन मार्क दीजिए. यस दिस इज द रिलेशन, बट दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन बिकॉज इट्स अ रिलेशन जिसमें एक टाइम पे आप एक चीज करो तो आपके पास एक ही आंसर आता है. 8 बजे आपके पास ब्रेकफास्ट आ गया, 10 बजे आपके पास डिनर आ गया, लंच पे आपको कुछ नहीं है कोई बात नहीं, 1 बजे कुछ नहीं है कोई बात नहीं, बट कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है. अगर मैं पूछूंगा कि ये बंदा 8 बजे क्या कर रहा है, तो तुम्हारे पास एक सॉलिड आंसर है, या तो वो कुछ नहीं कर रहा होगा या फिर वो कोई मील ले रहा होगा, एंड आई नो विच मील. ठीक है, दीज आर कॉल्ड फंक्शंस. फंक्शंस आर रिलेशंस, फंक्शंस आर रिलेशंस विद, मैं बहुत रफ लैंग्वेज लिख रहा हूँ यहाँ पर, यूनिक आउटपुट्स फॉर एवरी इनपुट, हर इनपुट के लिए उनका एक यूनिक आउटपुट होना चाहिए, दैट्स अ फंक्शन. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूनिक आउटपुट वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग स्किप कर देते हैं. दिस इज गोइंग टू स्टिक विद यू फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स का मटीरियल एटलीस्ट, जितने देर में हम कॉन्टेंट पढ़ेंगे 11th 12th का जो भी हम करेंगे. यू गोइंग टू मेक वीडियोज फॉर दिस ऑन खान अकेडमी, सो यू बेटर गेट इट राइट. सो वट दिस इज अ फंक्शन, इज दिस अ फंक्शन? Yes, एक टाइम पे एक ही चीज, एक टाइम पे चीज मिल रही है. Is this a function? Nope, एक टाइम पे दो चीज. ठीक है. Is this a function? Nope. So you got it. You got the definition between. You got the difference between relations and functions. That's it. That's all there is to it. इसके अलावा जो भी कुछ बता रहा है वो बकवास बता रहा है. You don't have to listen to anyone else moving forward. So you know what a relation is. You have the crux. तुम्हें बहुत essence पता है relation क्या होता है. तुम्हें बहुत essence पता है function होता है. इसके अलावा कुछ नहीं होता है कुछ भी. सब जो बोल रहे हैं सब बकवास बोल रहे हैं. I'll repeat. Everyone else is bullshitting. There is nothing more to it. This is it. Unique output of function होता है. Now what we are going to do is we are going to create. ये important चीज़ है. Definition important. We are going to create trigonometric functions. ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस. चैप्टर के नाम कोई ध्यान से पढ़ता नहीं है, बट सब बोलते हैं ट्रिगो पढ़ रहा हूँ. तुम ध्यान से बुक खोल के देखोगे तो 11th क्लास की बुक में लिखा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, और 10th क्लास की बुक में लिखा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस. रेशियोज बहुत सिंपल चीज है, रेशियोज ज्योमेट्री से आता है. तुम परपेंडिकुलर का बेस से रेशियो, उससे उसका रेशियो लेते हो, फिर से स्क्रू ऑल ऑफ दैट. नो मोर रेशियोज, no more ratios. We're going to talk about things in terms of functions. Functions ka ek input hoga, functions ka ek output hoga, aur unique output hoga. And we are hum ek bold statement bolte hain nahi, trigonometric functions mein everything goes. Sine aur cos uthao, isme tum kuch bhi dal sakte ho. Every degree, every radian will give you something. Theek hai, let's create something like that. Par fir log bolte hain hold on, jab itne dinon se hum, itne saalon se hum ye kar rahe hain ratios wala kaam, iska kya isko kya kude mein dal dein? So फिर they start thinking about it and I'm creating the story up. But they start thinking about this and they said, चलो एक काम करते हैं, हम जो भी करेंगे functions में, that will be, होता है ना PS4 आता है तो PS3 की games भी चलती हैं. तो हम एक काम करते हैं, आपका ratios वाले सारे definitions will work for functions. Functions will be a superset जो ratios का काम भी कर लेगा. So moving forward आपको सिर्फ functions पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, आप ratios को भूल जाओ, forget about ratios. So जो important चीज यहाँ पर यह है, ऐसा नहीं है कि हम नए angles पढ़ रहे हैं और हम नए एंगल्स का रेशियोज निकाल रहे हैं. दैट्स अ करेक्शन. हम वी आर नॉट फाइंडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ नेगेटिव एंगल्स. रेशियो नहीं है वो, दे आर नाउ फंक्शंस.
साइन फंक्शन है वो, साइन रेशियो नहीं है, साइन और कोसाइन इंपॉर्टेंट चीज है. वी आर रीडिफाइनिंग द होल ट्रिग्नोमेट्री वर्ल्ड. हम बोल रहे हैं रेशियोज की बातें नहीं करनी है, हम सिर्फ फंक्शंस की बात करेंगे. फंक्शंस का इनपुट होगा, आउटपुट होगा, सब कुछ हम डिफाइन करेंगे. एंड दिस इज हाउ दे डिफाइन. बहुत सिंपल डेफिनेशन है एक फंक्शन की. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट साइन कॉस एंड टैन, एवरीथिंग एल्स इज इररिलेवेंट. बट एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है. Okay. ठीक है. और हमारे पास दी मोस्ट ब्यूटीफुल सर्कल एवर, हमारे पास एक यूनिट सर्कल है. इसे सुंदर सर्कल कभी तुमने देखा नहीं होगा ना, तुम देखोगे. दिस इज द बेस्ट. मतलब मेरी पिक्चर वाला सर्कल नहीं, बट इमेजिन इन योर हेड वन यूनिट सर्कल इज सच अ पावरफुल एफ. इज देयर सो मच गोइंग ऑन देयर, इट हैज सो मच पावर, इट्स लाइक अ सन, सन ऑफ मैथ. ठीक है. ये हो गया हमारा पॉइंट 1, 0. दिस पॉइंट इज 0, 1. दिस पॉइंट इज -1, 0. एंड दिस पॉइंट इज 0, -1. और ये हमारा ओरिजिन है, दिस इज 0, 0. ठीक है. Now the new definition of trigonometric function is the simple definition of trigonometric function is कि भाई आप इस सर्कल पे चलो. ठीक है. आप कहीं भी बैठे हो, मान लो आप यहाँ बैठे हो, आप पॉजिटिव एक्स एक्सेस है क्योंकि कहीं से तो मेजर करना पड़ेगा. पॉजिटिव एक्स एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मार्क कर लो थीटा. रेडियन बोलना है, डिग्री बोलना है, आपके ऊपर है, फर्क नहीं पड़ता. हमने आपको दोनों बता दिए. दिस इज योर एंगल, मैंने इसके ऊपर डिग्री रेडियन कुछ नहीं लिखा. अब इस पॉइंट पे आप हो, इस पॉइंट का एक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक वाई कोऑर्डिनेट होगा. ठीक है. दिस एक्स कोऑर्डिनेट जो भी होगा दैट्स कॉस थीटा, वाई कोऑर्डिनेट विल बी साइन थीटा एंड यू आर डन. शट अप. दिस इज कॉस थीटा, साइन थीटा, और अगर वाई बाय एक्स कर लोगे तो आपको टैन थीटा मिल जाएगा. सो द न्यू डेफिनेशन सेज यू गिव मी द एंगल, आई लुक एट द यूनिट सर्कल, लुक एट द कोऑर्डिनेट्स एंड द कोऑर्डिनेट्स विल बी माय आउटपुट. अब तुम सोचो इस सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे ऐसा, इस सर्कल पे ऐसा कोई पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट नहीं है? नहीं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है, सारे के कोऑर्डिनेट्स. तो हर पॉइंट का आपको रेशियो मिलेगा, हर पॉइंट का आपको साइन मिलेगा और कॉस मिलेगा. एक छोटी सी प्रॉब्लम टैन में आ जाती है क्योंकि डिनोमिनेटर बाय जीरो, ये मैथ की पुरानी आदत, पुरानी बीमारी है. यू कांट डिवाइड थिंग्स बाय जीरो. सो बहुत कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस पे जहाँ एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होता है. एक्स कोऑर्डिनेट जीरो कहाँ होता है? दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट. इन दो पॉइंट्स पे आपको टैन नहीं मिलेगा, बाकी हर पॉइंट पे आपको टैन भी मिलेगा. ठीक है. बट साइन और कॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको. एवरी पॉइंट हैज अ साइन एंड अ कॉस. तो यहां से यू स्टार्ट. दिस इज योर डेफिनेशन, दैट्स इट. इसके अलावा जो भी कुछ बोल रहा है बुलशिटिंग. लेट्स रिपीट द डेफिनेशन ऑफ दिस फंक्शन. व्हाट वी आर सेइंग इज वी हैव अ यूनिट सर्कल. इस यूनिट सर्कल पे आप कोई पॉइंट रखो, उस पॉइंट पे एक एंगल आ गया, या फिर आप एंगल शुरू करो. आपको क्या चाहिए? आपको 30 चाहिए, 30 डिग्री एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल कुछ कट करेगा कहीं पर सर्कल पे, उसके कोऑर्डिनेट देख लो आपका साइन कॉस आ गया. No triangles involved. Hmm. मेरा बहुत अच्छा, I follow this guy called James Stanton. I'm going to जाओ video pause करके James Stanton type करो और your mind will be blown. The only guy जो trigonometry को circulometry करके पढ़ाता है. He actually names the chapter differently. Yeah, trigonometry तुम्हें misleading है. Trigonometry का मतलब वो triangles. It's actually circles. This is where you're working. So let's call it circulometry because all you have is a circle. ट्राइंगल तो तुम यूज कर रहे हो ना उसको निकालने के लिए, वैल्यूज वगैरह निकालने के लिए. बट यू हैव अ सर्कल, तो दिस इज सर्कुलोमेट्री. तो आई एम आल्सो गोइंग टू यूज द वर्ड सर्कुलोमेट्री. एटलीस्ट गिव हिम अ शाउट आउट, अमेजिंग गाय. सर्कल्स, थिंक सर्कल्स मूविंग फॉरवर्ड, नॉट ट्राइंगल्स. नाउ दैट यू नो दिस, अब तुम मुझे बताओ जो चीज अब इतना समझा दिया. अब इतना समझाने के बाद इट विल बी एक्सट्रीमली ऑब्वियस फॉर अ स्टूडेंट टू फिगर आउट व्हाट साइन 0 डिग्री इज. नाउ आई कैन टॉक अबाउट साइन डिग्री. लेट्स धीरे धीरे अपनी 10th क्लास की जो कपड़े प्रेस कर रहे थे जिसमें हम जहाँ पर वो आ गई थी बीच में, क्रीज खराब हो गई थी, मतलब उसको स्मूदन आउट करते हैं. व्हाट इज साइन 0 डिग्री सो फिर? ओके, तो साइन 0 डिग्री मतलब तुम्हारा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ. दिस इज कॉस एंड दिस इज साइन. एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉस, वाई कोऑर्डिनेट इज साइन. ओके, तो साइन 0 डिग्री का मतलब कि तुम बिल्कुल भी मूव नहीं किए, यू आर ऑन द एक्स एक्सिस बेसिकली. तो वहां एक्स एक्सिस पे तुम्हारा जो साइन थीटा है वो 0 है, मतलब for 0 degree. So sine 0 is 0. This needs no explanation anymore. This, yeah. All it needed was a new way of looking at trigonometry. Trigonometry circle pe sine 0 equal to 0 makes perfect sense. Hum usko samjha rahe hain, any triangle bahut chota hoga to kya hoga, are bada hoga to kya hoga, thodi der tak samjha sakte ho, 90 tak samjha sakte ho, fir main 180 ka puchunga to tumhara to tumhe dikkat aane lagegi. Let's go wild. Let's figure out what is cos of 180 degree. Okay. मतलब देख ही रहा है, अगर हम 180 डिग्री मूव करते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो हम फिर से एक्स एक्सिस पे पहुंच जाएंगे उस डायरेक्शन में, विच इज -1.
Does it make sense in terms of triangles? 180 degree ka koi angle hota hai kisi triangle mein? No. And it shouldn't. No. We shouldn't try to. तो हमारी दिक्कत क्या होती है, as teachers हम पूछते हैं, 10th class का बच्चा triangle से समझा देता हूँ. Triangle से समझा ही नहीं सकते because it's not in a triangle. It's on a circle. So sine 90 कितना होता है सर? तो sine 90 you will reach top of मतलब y axis के उसमें which is 1. That's it. तो ये all the angles 90 के multiple सारे तुम्हारे हो गए solve. You can figure out sine 900 degree as well. You can figure out stuff. Awesome. Let's अब एक चीज जो बची है वो देखते हैं यार. लेकिन ये तो ठीक है, नई डेफिनेशन. लेकिन अभी तुमने बोला था एक छोटी चीज जो मैंने पिछले साल सीखा है, जो मैंने पिछले एक घंटे में सीखा है, मेरे 90, मेरे 45, 30 और 60 के एंगल्स मैच करने की नहीं कर रहे. तो दैट डेफिनेशन शुड मैच. सो अभी बोला था PS3 की CD चलनी चाहिए PS4 में. तो वट आई वॉन्ट अस टू बी रियली श्योर इज बाय द वे फर्स्ट क्वार्टर में सब कवर हो जाता है. Everything from 0 to 90 lies here. So all we need to care about is these angles. So हमने जो अब तक पढ़ा है वो यहाँ सिर्फ यहाँ पर continue जाता है. So let's try 45 degree first. Now this radius is 1. This angle is 45, and I'm going to draw a perpendicular here. What are the x and y coordinates? अगर मेरे पुराने definition से match हो जाता है, so this should be 1/√2 and 1/√2. So let's help me out. What should be these coordinates? मतलब distance formula. कैसे लगाएंगे distance formula? इसके x और y coordinates कैसे निकालेंगे? Oh, हाँ x और y coordinates नहीं दिया हुआ है, but this distance तो दिया हुआ है ना, one. हाँ distance हमेशा one रहेगा. तेरे theorem ही है, I guess it's nothing more. अगर तुम देखोगे तो. Okay, so I think because we have Pythagoras theorem यहाँ पे, we can use that. मतलब basically ये 45 degree है, तो ये side तुम्हारी perpendicular और ये बराबर होगी. ठीक है. तो you can figure out क्या होगा. If it is a square, मतलब अगर add अगर हाँ x कर सकते हो, तो this is going to be equals to 1, which is 2x square equals to हाँ, तो root 2 आ जाए, 1/√2. So this doesn't break at 45. Yep. But it might break at 30 and 60. कुछ गड़बड़ हो सकती है. तुम्हें feel आ रही है कि नहीं होगी, तुम्हें अच्छे से पता नहीं होगी. You're in good hands. But let's do this. Let's prove that 30 लूँ, 30 लेता हूँ. चलो let's prove 30 लूँगा तो 60 अपने आप हो जाएगा ना. Let's prove that. Let's find this coordinate. इसके coordinates लाके निकालते हैं. Use जो भी तुम्हें पता है geometry के बारे में. इतना तुम्हें पता है सर्कल के बारे में. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस. ये रेडियस तुम्हें 1 दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने. ओके, आई मीन ठीक है, वी नो ऑल दो. हम शुड आई शेयर माय स्क्रीन, मतलब कैसे निकालना है? एक बार खुद से सॉल्व कर लो, उसके बाद टेक अ मिनट सॉल्व दिस ऑन योर ओन. अपने वेकॉम तुम्हारा अटक रहा है, बट पेन पेपर पे करने की कोशिश कर लो. I mean, okay, but we don't know अभी ना कि इसके coordinates हैं क्या. We have to figure it out. जैसे coordinates आते हैं, you get sine and cos. Yep. पहले तो coordinates निकालने होंगे ना, पहले वो थोड़ा निकालना होगा. आशीष, just give me a minute ना, and एक second हम आते हैं. एक second. Mute करके जाना. हाँ, nice. नहीं चल रही है. Okay, hi. अच्छा जाऊं क्या मैं? नहीं, बस सकता. वो म्यूट करके चले गए कहीं. अच्छा. And I haven't muted my thing. I want this to be uploaded on the internet. Oh. This. Nice. क्या टॉपिक क्या है? Just two folks talking about trigonometry. I've never seen you talk about math. Like, अच्छा. वैसे देखा नहीं है ना? नहीं. I'll publish it. I'll upload it. Take your respect. I'll do one just to screw with folks. He कर क्या रहे हैं आज यूसुफ़ यार? ये OKR week चल रहा है. What the hell? The green people नहीं है. Green people. क्या होता है? ओ,
स्ट्राइक ट्रैकर अच्छा नहीं नहीं उसको वो देख रहा था सीएमएस एक्सरसाइज एडिटर है ना ए इसके कोऑर्डिनेट निकाल के दो मुझे फटाफट आई डोंट नो तुम क्यों बोल रहे हो डिस्टेंस फार्मूला यूज नहीं कर सकते ओ इधर से हमें बस ये मिलेगा ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर मतलब मेरा जो सवाल है वो हां बोलो ट्रिग्नोमेट्री की 10th की वीडियोस बनाने में महीना लग जाता है हमने अभी खत्म कर चुके हैं 11th पे हां हां लेटिंग यू नो ओके कूल ओके मेरा दिमाग पता नहीं बिकॉज़ आई नाउ आई नो व्हाट साइन एंड कॉस दिस इट्स गोइंग इन द अदर वे अराउंड आई आई वांट टू ब्लॉक द ब्यूटी इज इन डूइंग द सेम थिंग दैट सो आंख बंद करके इमेजिन करो जब तुम्हें साइन 30 नहीं आ रहा था कॉस 30 नहीं आ रहा था तो मैंने सबसे पहले क्या बोला था थिंक ऑफ व्हाट हाउ डू यू डिराइव थिंग्स सो दैट विल गिव यू साइन के वाइज इसको ओके बट व्हाई डू आई पुश योरसेल्फ टू प्रूव डिराइव स्टफ एवरी डे नहीं 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 सबसे पहले क्या था सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बोला था मैंने कहा सुप्रिया जब कभी भी तुम्हें साइन 30 कॉस 30 याद ना हो 60 याद ना हो तो फिर क्या करना हां तो ट्रायंगल बनाना व्हिच ट्रायंगल पर्टिकुलर ट्रायंगल एंड कैन यू सी एन इक्वल ट्रायंगल यहां पर हां वेरी आई एम ट्राइंग टू ओ ओ ओके आई मीन बना सकते हैं इक्वल ट्रायंगल होल्ड ऑन ये करवा लेते 4 साल में से तो नीचे आ जाओ ना नीचे वाले क्वाड्रेंट में परफेक्ट ब्यूटीफुल मतलब आई वाज ट्राइंग टू बट बिकॉज़ आई न्यू द वैल्यूज ना तो आई एम गेटिंग बायस्ड आई डोंट वांट टू बट आई वाज सो नाउ यू हैव दिस 60 नाउ फॉर अ मिनट यू फॉरगेट अबाउट दिस यू हैव 60 60 एंड 60 नाउ इफ दिस इज 1 व्हाट एल्स डू आई नो This is one, then everything, all the sides are basically tumhare. And this is also one. So, what will be my height? Oh, got it. 1/2. Tumhara ye ho jayega. Matlab, because it's one. Half okay. Now, what will be my x coordinate? Now you know this, so you can use Pythagoras theorem basically. Absolutely. Ek hada ke dusre to nikal sakte ho. 1 square minus 1/4 is 3/4. Iska square root. Root 3/2. Which is, इसी को तुम अगर ऊपर कर दोगे तो यू विल गेट अ ट्रायंगल यहाँ पर 60 के लिए कुछ कर सकते हो यू कैन फिगर आउट बट 30 के लिए हो गए तो 60 के लिए कर सकते हैं यू नीड टू प्रूव थिंग्स एंड दिस मींस द इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पर इज दिस मींस दिस वर्क्स फॉर अच्छा तुम्हारा स्लैक मैसेज आया कोई इंपॉर्टेंट नहीं नहीं ठीक है आई एम ट्राइंग टू क्लोज माय नोटिफिकेशन सो दैट ये आवाज ना आए कोई बात नहीं People should know that we are doing this during our working hours. Okay. So, where was I? The interesting thing here is that this doesn't break for your pre. So, purana trigonometry, the basic version, was taken. You as it is, one quadrant is taken. Usko pura. And we have infinite such quadrants. We have 3 more quadrants. So, dikhe rahe hain, but you can go round and round the circle. And which we'll do moving forward, at least for today's class. You have a unit कभी भी पहली क्लास ट्रिग्नोमेट्री के बिना यूनिट सर्कल एक्सप्लोर किए छोड़ता नहीं इट्स अ लॉन्ग क्लास बट यू डोंट गो होम विदाउट द यूनिट सर्कल इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ यू शुड लर्न द मोस्ट पावरफुल सर्कल अब तुम एक काम करो गिव मी कॉस साइन एंड कॉस चलो दोनों निकाल के दो गिव मी साइन एंड मैं कॉस और साइन बोलूंगा ताकि तुम्हें याद रहे कि कॉस पहले आता है गिव मी कॉस एंड साइन ऑफ -30 degrees ओके तो ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में हो जाएगा ना बिकॉज़ -30 इज बेसिकली तुम्हारा नीचे वाला तो इसमें तुम्हारा बस क्वाड्रेंट इज cos -30 एंड y क्वाड्रेंट इज sin -30 ठीक है तो तुम्हारा बिकॉज़ सेम ही है cos वाला वैल्यू व्हिच इज तुम्हारा कितना था √3/2 और तुम्हारा ये हो गया -1/2 So your cos -30 is √3/2 and sin -30 is -1/2. एक छोटा सा fun fact यहाँ पर ये, this is true for all values, not just 30. Yeah. एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, cos of negative angles is the same as cos of positive angles, क्योंकि cos is the x coordinate.
और एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट ऊपर जाओ या नीचे जाओ एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहता है या ठीक है नहीं एंड साइन ऑफ नेगेटिव एंगल्स इज नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ दैट एंगल साइन की वैल्यू चेंज हो जाती है दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट जो वाई बोला जाता है सो कोई याद नहीं करना है जस्ट ऑब्जर्व दीस आर ऑब्जर्वेशंस आई एम नॉट कॉल देम थ्योरम दीस आर ऑब्जर्वेशंस ऑफ द यूनिट फ्रॉम द यूनिट सर्कल ठीक है लेट्स ड्रॉ मोर नाउ आई वांट यू टू फाइंड 150 degrees sine and cos of 150 degrees oh so basically 150 degree is do tarike tumhara annotation on kar dun kya tumhara let's try to annotate try to annotate ye kaise karte hain is there an option record usme niche tumhara zoom mein hoga annotate button hoga zoom mein नीचे जहां पर जो फ्लोटिंग मेन्यू है ना उसमें शेयर पार्टिसिपेंट्स वगैरह आता है उसमें एनोटेट करना होगा ओके आई डोंट सी इट व्हाई ओ एक सेकंड जब हम नहीं ओके हम शेयर करते हैं ना लेकिन चार साल से कंटेंट बना रही है खाने का मतलब चार साल मतलब यार नहीं है मेरे में एनोटेट आई थिंक मेरे पास बेसिक वर्जन है लाइक आई डोंट हैव द पेड वन ना मत बोलो ये सब लाइव हो रहा है यार मत उड़ाओ ये बेइज्जती हो रही है दिस ठीक है कोई बात stop नहीं I'll stop sharing give me a 150 degree ठीक है रुको हम अबे यार ठीक है तुम you are screen hang हो गई है मेरी I'm trying move चल ब्रो व्हाइट बोर्ड पे बना दो एंड कैमरा आगे ऊपर पड़ा के दिखा दो अपने पेन पे बना दो दिल क्यों नहीं रहा व्हाट्स रॉन्ग तुम कहां गए तुम दिख भी नहीं रहे ओके नाउ आई कैन सी यू ओके आई एम गोना शेयर लॉकडाउन सक्स ठीक है Yeah, I know. ठीक है, दिख रहा है तुमको? दिख रहा है. Give me 150 degrees. Yep. Oh, come on. अरे, I'm trying to make a straight line जो हमसे बनती नहीं करता हूँ मैंने use. चार साल. Yeah, I was using shift. पता नहीं क्यों टेढ़ा बन रहा है. चलो. चार साल. ये हो गया तो. See, I am okay. तो हम यहाँ पर अच्छा unit circle बनाएंगे. I want a. Oh. ये आगे से मैं भी करूँगा इसका ठीक है. I'm not gonna make the ठीक है तो हमें 150 हमें 150 बनाना है इसको इसके लिए अलग कर दो ताकि you can make more angles इसमें make work on a new layer ठीक है ओके तो 150 is basically तुम्हारा 180 से थोड़ा कम जो कि यहाँ कहीं होगा like this so this is going to be your 150 degrees right तुम्हारा ये वाला coordinate है x comma y ये होगा and now but if you look at it basically तुम्हारा जो मतलब how I'm gonna do it is तुम्हारा अगर हम 30 वाला ही लेते हमने जो भी find Perfect. किया right so 30 degree पे our value was root 3/2 comma तुम्हारा one by two ठीक है तो अभी we know that कि इसका जो मतलब सिर्फ x coordinate flip हो रहा है तो this is going to be negative now and this is क्योंकि same ही है y axis पे ये जो point है basically इसका coordinate so this is going to be 1/2 So this is going to done. 4 rapid fire 450 degrees. Oh 450 degree. ठीक है 450 कितना होता है 360 plus how much? 360 इसको rub कर दो. इसको rub कर दो. Take clean this one up. Okay. Cool. अरे उसी को रहने दो उसमें delete button भी होता है. अच्छा चलो भाई. नहीं I don't want to delete this part. अच्छा चलो but I want to now. ठीक है तो 450 तुम्हारा हो जाएगा 360. वेट ना 360 इज 40 प्लस 50 व्हिच इज 90 ओनली तो 90 डिग्रीज हियर ओनली ना तो यहां पर तुम्हारा x यही है ना हां तो हां यहां पे तुम्हारा x और y कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट है 0 और तुम्हारा y कोऑर्डिनेट है 1 240 डिग्री हो जाएगा तुम्हारा 180 प्लस हाउ मच 180 प्लस 60 हो जाएगा राइट तो 180 प्लस 60 यहां पर आएगा तो अगेन यहाँ 60 का कितना होता था लेट मी रिकॉल और आई कैन बेसिकली नहीं ये 60 लग नहीं रहा है ये 45 के आसपास लग रहा है हाँ ओके अच्छा चलो रुक जाओ आई विल यूज इसका सर्कल बड़ा drawing. इसका सर्कल बहुत सही लग रहा था जैसे हाँ मेरा कितना बड़ा ओके एक्सक्यूज मी माय सर्कल इज नहीं नहीं मैं अपनी बात कर रहा हूँ हाँ ओके सो अगर हम 60 डिग्रीज का मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर हम 60 डिग्री करते यहां से व्हिच इज बेसिकली ऑपोजिट ऑफ इट राइट 60 कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है तुम बस 30 के कोऑर्डिनेट्स अगर तुम्हें याद है तो यू कैन फ्लिप दोस कोऑर्डिनेट्स नीचे यू कैन मेक अ 30 डिग्री नीचे
basically ek minute ko hum kya tum kya bole the 240 right which is 180 plus 60 so this is basically 30 degree na tumhara theek hai ha to 30 kya agar tumhe sides pata hai to tumhe isi bhi triangle bana sakte ho ha 30 ke kya the sides hum bhul 30 ke samne hota hai half aur 30 ke adjacent mein hota hai √3/2 don't put ideas I'm going to do this okay so tumhara basically ये अभी ये 90 डिग्री है राइट तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना दिस इज गोइंग टू बी योर कॉस वाला करो उसको रुक 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 उसको मत मार्क करो पहले मार्क डाउन पहले मार्क द साइड्स साइन बाद में लगा लेंगे पहले मार्क द साइड साइड की लेंथ कितनी है हमारा बेस इन दिस इज तुम्हारा परपेंडिकुलर दिस साइड यू मीन हां पी और बी की वैल्यू हां पी और बी की वैल्यूज डाल दो पहले हां ठीक है आई गेट इट ठीक है बेसिकली तुम्हारा ऐसे नहीं आई एम गोना डू दिस दिस इज गोइंग टू बी योर कॉस ऑफ 30 and this is going to be your sine of 30 right okay and then tumhara basically yahan par x coordinate jo hoga tumhara wo ye wala hoga sine 30 in this case and okay. sorry ek minute okay to yahan sine 30 kitna hota tha hamara half right to half yes half hota hai then this is because ye hamara sine 30 negative mein hai this is minus 1/2 और ये भी हमारा नेगेटिव में है व्हिच इज -√3/2 ठीक है दैट्स इट मैं पता कैसे करता हूं आई डोंट राइट sin 30 एंड cos 30 आई लाइक योर मेथड एज वेल व्हाट आई डू इज यूजिंग माय नॉलेज ऑफ 30 डिग्री ट्रायंगल्स आई मेजर दीस साइड्स और उसके बाद फिर मैं देखता हूं कौन से क्वाड्रेंट में है कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है एंड आई प्लॉट दैट तो ओ यू जस्ट स्विच दैट वे मैं नहीं तुम्हारी तरह ही करता हूं मैं sin 30 नहीं लिखता sin 30 की जगह आई राइट हाफ एंड cos 30 की जगह आई राइट √3/2 I got okay. it. Haan, nahin, that's one step minus from this one basically. Isme se ek step kam hai, but I'm learning so I'm allowed one extra step. 315 degree. ठीक है finally 315 degree तुम्हारा हो जाएगा. 300 minus how much? Sorry 360 minus how much? 45 right? 360 में से हम 45 घटाएंगे तो नहीं 360 में से 45 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 315 सही बोल रहा है ना 60 में से पता हमें चाहिए 315 तो ये पूरा यहां 45 डिग्रीज चाहिए बेसिकली व्हिच इज इस वाले क्वाड्रेंट में आएगा तो इस क्वाड्रेंट में तुम्हारा 45 इज -1/√2 सॉरी x इज नहीं ओ ओ ओ ओ ओ 1 बाय इसी में आएगा बट दिस इज गोइंग टू फ्लिप्ड राइट बिकॉज़ ये नीचे वाला हां नहीं बट सही है 1/√2 एंड -1/√2 अब हम निकाल सकते हैं ऑलमोस्ट एवरी एंगल ठीक है बट यहाँ पर एक छोटा सा कैच है व्हेन वी हम बोलते तो रहते हैं लेकिन जितने भी मैंने एंगल्स दिए they were multiples of either 30 either 60 or 45 what you still can't do is find the value of cos 15 degree ya fir sin 75 degree abhi bhi sin 75 is out of your reach isme unit circle mein bhi tum try karke dekh sakte ho can you find the value of 75 degrees maan lo I'm going to do it ekdam aaram se theek hai agar ye 75 hai okay this is one basically okay we need matlab sisi to hai tumhara ye jo hai This is your cos 75 and this is sin 75 और ये इसके x और y coordinates हैं why can't I still find but I found it there. okay what else can I do अगर हम इसको wait Give me some time. I think I can. कुछ तो है. Should we put this on Khan Academy India Hindi channel पे चला दें. Content creators talking about content. मतलब बीच में हमने कुछ गड़बड़ भी की है क्या did we make fun of each other इससे फर्क पड़ेगा क्या मतलब एक सेकंड हम क्यों सब मिटा दिए हां मतलब शायद people might not approve आशीष
डिसलाइक के हिसाब से देख लेते हैं क्या करना है. एक तो डाल देते हैं नहीं चल अभी नहीं डालते अभी लेट्स लेट्स क्रिएट अ प्लेलिस्ट पहले. पीपल शुड नो दैट कंटेंट क्रिएटर्स आर आल्सो लाइक टू लर्न आल्सो लाइक टू टॉक. क्या तोड़ा तुमने इसमें कैसे कैसे ब्रेक किया वर्ड मतलब द वे वी आर मूविंग ऑन द यूनिट सर्कल बेसिकली हमें कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए राइट. So what are the ways to find coordinates with the information that I have? Absolutely. ठीक है. Basically it's 60 plus, but this is not going to help me ना क्योंकि इस this triangle is very different from this triangle. If I had wait. थर्टी वाले डिग्री नहीं. You're right, 30 degree and 45 degree. ऐसे वाला try करें, but this is not a triangle even. एक बन तो जाएगा triangle, 150 degree का बन जाएगा, why not? 150 degree का triangle है, and you have the other two angles as how much? 50 degree each. It is a triangle. हाँ, 150 और ये तुम्हारा 15, 15, 30, 15. नहीं 15, 15 and 15. मतलब टोटल 30 दिस इज 15 दिस इज 15 अगेन दिस इज 1 दिस इज 1 बट हाउ डू वी फाइंड दिस लेंथ ये सवाल है. नाइस आई वांट यू टू फील अनकंफर्टेबल फील दिस आई वांट यू टू फील थोड़ा सा अनकंफर्टेबल. अभी तो लगा था एकदम सब कुछ हाथ में आ गया था सब कुछ समझ में आ गया था हो जाएगा बट आई नीड टू थिंक आई कैन थिंक वेट बट आई डोंट वांट टू this lot of time here also. Do you want a hint? Struggle in a circle, wait. I feel like I'm close. Like nice. Really close. So there's, achha, chalo, hint. Hint is nahi hoga. That's the hint. It is nahi hoga. Even with this, you can't do this. Sorry. Kya nahi hoga? The hint is that 75 degrees or 15 degrees nahi hoga. You still can't do it. So don't even try. Not happy. Okay. I know. Nahi hoga. Nahi hoga. Agar isme khatam ho gaya hota, agar tum socho itni jaldi agar tum sare angles nikal paati. तो फिर ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत नहीं पड़ती. फिर जो इतना सारा भी डिस्कशन बचा है हमारा उसका क्या करेंगे. सो दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू पॉज द फर्स्ट क्लास विद सम थिंग्स दैट यू कैन डू नाउ एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कांट डू येट सो दैट यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज फिगर आउट 75 कैसे निकालेंगे. वी विल नॉट यूज द यूनिट सर्कल. वी विल गो बैक टू आवर ट्रायंगल्स. वी विल फिगर आउट समथिंग डिफरेंट. दिस इज वेयर वी टेक अ पॉज यूनिट सर्कल पे and figure out aur piche chalte hain geometry mein aur dekhte hain kya padha tha similar triangles congruent triangles and find out something that works for 75 nahi hoga. If you want to try ki try subah uthke kal mood ho ke aaram se try karna but okay but, this is nice got it. So this is it. In the next class which is going to happen very soon we are going to cover the next part of trigonometric functions jisme hum will help you give you even more tools. So tum unit circle ko uske sath use karoge sath mein and you'll keep finding angles, you'll keep finding ratios of more and more interesting angles it'll be fun. Trigonometry tumhe I'm basically giving you trigonometry acche se trigonometry de raha but yeah oh, I'm happy awesome. With this I'll stop recording.